हेलो चैंपियंस कैसे हैं आप सब लोग, so लोग आई डिस्कस करने वाले हैं, 2024, so guys, का 100 का आपका पेपर है और उसको रिवाइज करने के लिए मैंने बहुत ही अच्छा टूल बनाया आप लोगों के लिए ये पॉकेट बुक रिविजन पॉकेट बुक बड़ी प्यारी टू हंड्रेड प्लस पेजेस की है मल्टी कलर बुक है और सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो है इंक्लूडेड uh, है और

बहुत मदद करेगी ये पॉकेट बुक आपको रिवाइज करने के लिए सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स और ये पॉकेट बुक का बीच-बीच में मैं आरटीपी के के आज डिस्कशन वहीं से हम लोग we'll so शुरू करते हैं आर टीपी मे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सी एम ए का डिस्कशन नंबर वन दोस्तों ये आप लोगों का है ये बोला हुआ बेसिकली तो एक क्वेश्चन है मटेरियल कॉस्ट का और मटीरियल uh, कॉस्ट के इस क्वेश्चन में फिर पांच एमसीक्यूज हैं मार्क्स के जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहली चीज क्या है क्या कह रहा है कह रहे द परचेस कमेटी ओके द परचेज कमेटी ऑफ ए लिमिटेड हैज बीन इंटरेस्टेड विद रिव्यू ऑफ मटीरियल प्रोक्योरमेंट तो मटीरियल खरीदने का जो है इनका आइडिया है मटीरियल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ए लिमिटेड की आपको जो है परचेस करवानी है मटीरियल की चीफ मार्केटिंग मैनेजर द कमिटी दैट द कंपनी एट प्रेजेंट प्रोड्यूसेस सिंगल प्रोडक्ट एक्स ये लोग एक ही प्रोडक्ट एक्स बना रहे हैं ये इनका फिनिश गुड है और इनके लिए इस फिनिश गुड को बनाने के लिए दो रॉ मटीरियल लगते हैं ए और बी अच्छा ए और बी की रेशियो यूजेज की रेशियो कितनी है थ्री इज टू और वो हमें क्या करें मटीरियल ए तो पेरिशेबल इन नेचर है ओके okay. और इट हैज टू बी यूज विद इन टेन डेज फ्रॉम द गुड्स रिसीव नोट भाई जैसे ही इनको गुड्स uh, रिसीव होगा तो जी आर एन इशू करेंगे uh, जो रिसीवर हैं या जैसा भी स्टोर कीपर तो इनको दस दिन के अंदर अंदर कंज्यूम करना होगा नहीं तो पैरिश हो जाएगा अदरवाइज ये ऑब्सोल्यूट हो जाएगा पैरिश हो जाएगा कहता है मटीरियल बी जो है ऑन द अदर हैंड ये ड्यूरेबल है इन नेचर है ओके okay? वो कह रहा है इसको यूज कर सकते हैं इवन एक साल बाद भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि ये पैरिश होने वाला है ये ड्यूरेबल है तो मटेरियल ए जो खरीद रहे हैं ये लोकल मार्केट से खरीद रहे हैं विद इन वन टू टू डेज इसका मतलब मिनिमम लीड पीरियड या रीऑर्डर पीरियड डे है और मैक्सिमम लीड पीरियड टू डेज है अगर एवरेज या नॉर्मल निकालना हो तो हो तो डेज जाएगा और ऑर्डर मटेरियल बी जो है ऑन दी अदर हैंड मिनिमम टू डेज लगता है ये नेबरिंग स्टेट से आता है और मैक्सिमम फोर डेज लगता है तो अगर नॉर्मल या एवरेज लीड टाइम या एवरेज लीड पीरियड निकालेंगे तो थ्री डेज आएगा टू तो प्लस डिफाइड बाई टू uh, फिर उसके बाद जो है रिसीव uh, करेंगे जब ऑर्डर प्लेस करेंगे इतने दिन में इनको आ जाएगा कहते है, kilogram, पर किलोग्राम परचेस प्राइस पर किलोग्राम रॉ मटेरियल ए का कितना है गाइस थर्टी रुपीज रॉ मटेरियल बी का कितना है गाइस फोर्टी फोर रुपीज परचेस प्राइस पर किलोग्राम है और कहते हैं दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस और आप अगर ऑर्डर प्लेस करोगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर रुपीज ट्वेल्व है और कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल ए जो है है वो 15 का रेट है और बी का जो है गाइज वो है फाइव परसेंट का रेट ओके okay. वो कह रहे हैं मटीरियल फिफ्टीन थाउजेंड के जी के लॉट में खरीदा जा रहा है ये इनका प्रेजेंट री ऑर्डर क्वानिटी अभी okay. कहता है और टेन परसेंट डिस्काउंट मिलता है इन्हें परचेस प्राइस मार्केट प्राइस पे टेन परसेंट डिस्काउंट मिलता है कहता है जीएसटी एप्लीकेबल दोनों के लिए 18 परसेंट है और इसमें इनपुट क्रेडिट अवेल होता है तो गाइस इनपुट क्रेडिट अवेलेबल अवेल होता है तो इस केस में इसके परचेस प्राइस में इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे दिस विल नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन अगर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता होता तो उसको एड करते परचेस प्राइस में और उस हिसाब से फिर कैरिंग कॉस्ट में भी उसको लेते बट इनपुट क्रेडिट अगर इसका मिल रहा है तो ये एटीन प्राइस में पर द सेल्स डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइडेड द एस्टिमेट टू द कंपनी कि भाई ये लोग सेल कर सकते हैं थर्टी थाउजेंड के जी जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में तो तीस हजार किलो ये लोग बेच सकते हैं अपने फिनिश प्रोडक्ट का तीस हजार किलो और वो कह रहे हैं सेम ट्रेंड जो है एंटायर ईयर में होगा तो इसका मतलब पूरे साल की एनुअल डिमांड या सेल्स क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स कितना हो गया गाइस ये हो गया थर्टी थाउजेंड के जी मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व थ्री थाउजेंड ये पूरे साल में इतना लेकिन उसने मुझे क्या बोला है उसने मुझे क्वेश्चन में आगे बोला है कि रेशियो ऑफ इनपुट टू आउटपुट फाइव इस टू थ्री है इसका मतलब पांच किलो अगर इनपुट डालोगे तो तीन किलो आउटपुट निकलेगा इसका मतलब अगर आपको बोला जाए कि एनुअल कंजम्पशन या ए कितना है तो ए गाइस विल बी इक्वल टू थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड के मल्टीप्लाइड बाय फाइव बाय थ्री दैट कम्स टू सिक्स लाख केजी लेकिन ये ए जो है एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल निकला ये एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल और गाइस इसको इन्होंने खरीदना है मटेरियल ए और मटेरियल बी दोनों लेना है मटेरियल्स ए मटेरियल बी और वो उसने हमें रेशो दी हुई है कितनी कितनी दी हुई है वो कह रहा है हमारा इनपुट थ्री इंस टू तो टू की रेशो होता है इसका मतलब ये थ्री ये टू तो इसका मतलब इसका मटेरियल ए का एनुअल डिमांड विल बी इक्वल टू सिक्स लाख इनटू थ्री बाय फाइव दैट कम्स टू थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड और बी का गाइस

अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है ट्वेंटी फाइव डेज इन अ मंथ काम करना है और प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इवनली कहते हैं द फॉलोइंग क्वेरीज देखो जरा परचेज कमेटी के लिए बाइज उसने मेरे को बोला है द क्वान्टिटी ऑफ मटीरियल रिक्विजिशन फॉर बोथ मटीरियल ए एंड बी के लिए कितना है अभी अभी तो निकाला है अगर महीने के लिए निकालना है जनवरी के लिए तो थर्टी थाउजेंड और ट्वेंटी थाउजेंड तो थर्टी थाउजेंड एंड ट्वेंटी थाउजेंड रिस्पेक्टिवली ये डी पार्ट का इसका आंसर हो गया दैट फिनिजार्टे तो अगर आप वर्किंग दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं कि पचास हजार किलो हमें इनपुट लगना है टोटल और इस पचास हजार किलो को जो है इंटू थ्री बाय फाइव और टू बाई फाइव थर्टी थाउजेंड के जी और ट्वेंटी थाउजेंड के जी का दैट फिनिशेज ऑफ दिस पार्ट नेक्स्ट ईओ क्यू निकालना है तो गाइज ईओ क्यू कैसे निकलता है ईओ क्यू ऐसे निकलता है रोटू इन टू एंटू अपॉन सी वेयर अगर हमें दोनों ए और बी दोनों का निकालना है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफ ए पहले निकाल देता हूँ टू इन टू ए इज हाउ मच देखो अभी अभी हमने निकाला था लाख सिक्स थाउजेंड इंटू ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने आपको क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है कितना ये रहा ऑर्डरिंग कॉस्ट रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड डिवाइड बाय सी से डिवाइड करना है पच्चेस प्राइस जो है उसका पंद्रह परसेंट पंद्रहेंट ऑफ परचेस प्राइस फिफ्टीन परसेंट ऑफ पर हम लोग देखिए मंगा रहे तो हम लोग नहीं मान के चलते हैं। हम कहते हैं रहेगा का का फिर फिर हमारा 30 30 है तो का 15% और फिर आपने तो तो अगर आप देखोगे तो मैथमेटिकली इसी तरीके से यहां पर यह कर रखा है थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड इंटू टू Which comes to 13856. अगर आप कैलकुलेशन भी करना चाहें मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये यह दिखाया हुआ है यहाँ पर आप देखते मल्टीप्लाइड बाई टेडेड बाई फोर फिर रूट कर देते हैं Guys, this is coming to तो आप देख सकते हैं 13856, वाला है अच्छा दूसरा इसी तरीके से बी का भी अगर देखना है तो गाइज रूट टू इन टू टू लैख फोर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड डिवाइडेड बाय गाइज यहाँ कैरिंग कॉस्ट जो है और यहाँ पर परचेस प्राइस इन दिस केस थर्टी था और ये दूसरे केस में फोर्टी फोर और उसका फाइव परसेंट दैट इज टू से आप फोर्टी फोर का फाइव परसेंट करो या टू पॉइंट टू कर लो एज दू लैक फोर्टी थाउजेंड So, हम ने, निकाल लिया है, order आप देख सकते हैं वन सगेन अगर आप देखना चाहें तो इकोनॉमिक निकलता है रूट टू इंटू एन सी एज एनल रॉ मेटीरियल जितना खरीदना है एनुअलमेंट ऑफ या डिमांड ऑफ रॉ मटीरियल दिया

दोस्तों, लेवल इस तरीके से निकाला जा सकता है मैक्सिमम पीरियड तो, अगर हमें डेटा दिया हो नहीं तो normal normal तो सेफ्टी स्टॉक लेवल प्लस नॉर्मल नॉर्मल निकाला और क्वांटिटी इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, 15 किलो उसने में दिया हुआ था, था अभी हम लोग जो है 15 किलो अभी है। तो अगर दोस्तों आपने पहले

आप ऐसे कर सकते हो थर्टी थाउजेंड के जी डिड बाई ट्वेंटी फाइव इंटू आपका लीड पीरियड मैक्सिमम पीरियड हम लोगों को पता है बिल्कुल पता है बिंदास पता है कितना पता है दोस्तों टू डेज दिस मल्टीप्लाइड बाई टू डेज ऐसे करके निकाल सकते हो या आप चाहो तो थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी फाइव और फिर इनटू टू कर दो जैसे मर्जी करो इट्स योर कॉल इज कमिंग टू मैक्सिमम पीरियड कर दिया इन टू मैक्म पीरियड इज कमिंग टू ट्वेंटी फोर हंड्रेड तो रिओर्डर लेवल अगर हमारा ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलो आ गया है अब हम लोगों को क्या करना है गाइज मैक्सिमम लेवल मैक्सिमम लेवल विल बीवल टू री ऑर्डर लेवल ट्वेंटी फोर हंड्रेड प्लस री ऑर्डर क्वान्टिटी दोस्तों हमारा रीऑर्डर क्वान्टिटी कितना है रीऑर्डर क्वान्टिटी इज समिफ्टीन थाउजेंड किलो मैंने क्वेश्चन में बता रखा था कि भाई इतना मंगाते हैं आप देख लो ये देखो ये देखो ये देखो ये रहा उसने बोला हुआ कि भाई हम लोग फिफ्टीन थाउजेंड किलो ए खरीदते हैं डिस्काउंट अवेल करने के लिए माइनस मिनिमम 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 कंजम्पशन कंजम्पशन इनटू पीरियड गाइस तो कोई है नहीं यही नॉर्मल कंजम्पशन है जो हमारा है और मिनिमम पीरियड डे है है हमें दिया हुआ गाइस दिस इज इक्वल टू हंड्रेड के जी ये हमारा आ गया है मैक्सिमम लेवल लेकिन आपने नोटिस किया हो कि ये पेरिशेबल प्रोडक्ट है और पेरिशेबल प्रोडक्ट में उसने क्या कहा उसने कहा भाई मेरी बात सुन दस दिन के अंदर तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा तो दस दिन के अंदर कंज्यूम करना ही पड़ेगा तो उस केस में आप देखो ना इनका 1200 किलो रोज का कंज्यूम होता है मल्टीप्लाइड बाय दस दिन इससे ज्यादा इन्हें रखना नहीं चाहिए तो उस हिसाब से अगर कहें तो हम कहते हैं 16200 किलो या 12000 किलो विच एवर इज लेस इनका मैक्सिमम लेवल तो 12000 किलो या 16200 किलो विच एवर इज लेस तो दिस और दिस विच एवर इज लेस तो गाइज बारह किलो इज लेस हमारा तो करेक्ट आंसर शुड बी

या तो ऑर्डर करो पंद्रह हजार किलो या ऑर्डर करो थर्टीन थाउजेंड आपका कितना आया था यह आया था एट फिफ्टी दो तो पॉसिबिलिटी एनुअल परचेज कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम कह दो रॉ मटेरियल कंज्यूम जो है उसके लिए कितना लगेगा आप यहां देखो फर्स्ट केस में इट इज uh, आपने देखो पूरे साल में तीन लाख साठ हजार था किलो कंज्यूम करना है है ना मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस विल बी थर्टी रुपीज माइनस टेन परसेंट दैट इज ट्वेंटी सेवन रुपीजेस प्राइस होगा और दूसरे केस में थ्री लाख थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय का परचे प्राइस होगा ये भी हम लोग देख लेंगे फिर इसके बाद एनुअल ऑब्सोलेशंस लॉस देखो ये मंगाएंगे हर बार पंद्रह हजार और इस्तेमाल करेंगे सिर्फ बारह हजार क्योंकि तीन हजार तो फेंकना पड़ेगा और यहां मंगाएंगे थर्टीन फाइव एटी सिक्स लेकिन इस्तेमाल करेंगे बारह हजार तो वन एट फाइव सिक्स इन्हें जो है फेंकना पड़ेगा तो इसका मतलब तीन हजार किलो यहां पर ऑब्सोलेशंस होगा पर ऑर्डर और यहां पर वन एट फाइव सिक्स किलो हर ऑर्डर में ऑब्सोलेशंस होगा अब साल में कितने ऑर्डर्स करोगे भाई सिंपल सी बात है तीन लाख साठ हजार किलो पूरे साल में कंज्यूम करना है और एक बार में कितने किलो कंज्यूम कर पाओगे सिर्फ और सिर्फ बारह हजार किलो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब थर्टी ऑर्डर्स हो गए तीन लाख साठ हजार किलो कंज्यूम करना है एक बार में सिर्फ कंज्यूम कर पाते मंगाओ जितना मर्जी इस्तेमाल तो बारह हजार किलो से ज्यादा नहीं कर पाओगे बाकी फेंकना पड़ेगा तो अकॉर्डिंगली आपको थर्टी ऑर्डर मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड बाई रुपीज यहां पर जो है ट्वेंटी फर्स्ट केस में है और दिस मल्टीप्लाइडीज थर्टी सेकेंड केस पहले इनकी ये कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आई सी थ्री लैक था मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी ये तो होगी एनुअल परचेज कॉस्ट और फिर थ्री थाउजेंड मल्टीप्लाइड तो थर्टी ये सेवन ट्वेंटी थाउजेंड का लॉस दूसरी तरफ अगर परचेज कॉस्ट देखें तो गाइज थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय थर्टी जो है ये रॉ मटेरियल कंज्यूम के एक करोड़ आठ लाख काफी है लेकिन यहां पर जो है वन एट फाइव सिक्स मल्टीप्लाइड बाय थर्टी ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय थर्टी रुपीज इज इक्वल टू सिक्स अच्छा यही नहीं अब इनकी एनुअल ऑर्डरिंग निकालनी लेट्स डू दी मैथमेटिक्स एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भाई देखो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बारह सौ रुपए पर ऑर्डर है और हर बार में ये 12,000 किलो ही कंज्यूम कर पा रहे हैं तो दोनों केस में इनके 30, 30 ऑर्डर्स ही हैं, 30 ऑर्डर्स ईच हैं, तो दोनों के केस में दिस इज कमिंग टू 36,000 सिक्स थाउजेंड इज द केस दोनों सिचुएशन इस केस में एनुअल कैरिंग कॉस्ट जो है विल बी गाइज आप देख सकते हो जितना मंगा रहे हैं पंद्रह हजार किलो अगर मंगा रहे हैं तो उसका एवरेज हाफ कैरी करेंगे डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस 27 का कैरिंग कॉस्ट का रेट उसने 15 परसेंट दिया हुआ था और दूसरी तरफ जो है अब ये 13856 है 13856 किलो डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय रुपीज थर्टी इन टू परसेंट सो तो गाइस दिस इज गोइंग टू तो बी लेट्स सी सेवेंटी फाइव बाय ट्वेंटी मल्टीप्लाइड इज कमिंग टू थ्री जीरो फाइव और दूसरी तरफ उधर देखें तो दिस इज इक्वल टू थ्री वन वन सेवन सिक्स ये आ गया तो अब अगर आप इनको अप करेंगे तो आपका टोटल खर्चा कितना आता है और कितनी बचत हो जाती है अगर आप देखेंगे तो लेट्स डू दैथेमेटिक्स ट्वेंटी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फोर लैख थर्टी थाउजेंड प्लस थर्टी सिक्स थाउजेंड प्लस थर्टी थाउजेंड थ्री दिस इज वन ट्वेंटी टू सिक्सटीन थ्री ट्वेंटी टू सिक्सटीन 375. दूसरी तरफ अगर देखें दोस्तों तो ये कितना आता है लेट एस सी दिस इज 108 लाख प्लस 1670400 प्लस 36000 प्लस 31176 इज इक्वल टू 1 करोड़ 25 लाख 37576 1 37, 576. तो गाइस ये हमारा पहले के मुकाबले जो है, अगर हम लोगों ने आ, इस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया EOC को, तो हमें कितना एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, कितना नुकसान हो जाएगा? 12216375. हमें नुकसान हो जाएगा 3 lakh 21,201. 3 lakh 21,201 का हमें लॉस हो जाएगा अगर हम लोगों ने EOC को एक्सेप्ट किया तो तो गाइज दिस इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट ये आप इनको अगर कंपेयर करेंगे तो ये आपका ये कॉस्ट आ गया ये कॉस्ट आ गया और अगर आपने ईओक्यू क्यू मंगाया तो आपको जो है इतना नुकसान हो जाएगा इस द केस में भी कितना नुकसान हो जाएगा ईओ क्यू मंगाने पे यू विल बी लूजिंग तो ये बी पार्ट का इसका सही आंसर है बी इसका सही आंसर है Uh, the ठीक है जी तो आपसे उसने पूछा है परचेज अगर मैं करूं इ्यू के बराबर तो बताओ हमें फायदा हो गया नुकसान तो भैया नुकसान होगा लास्ट पार्ट दोस्तों अगर देखें तो वट इज द मिनिमम स्टॉक लेवल टू गाइज मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल इज रीऑर्ड लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इन नॉर्मल पीरियड अगर इस तरीके से निकालोगे गाइस तो रीऑर्ड लेवल हमारा कितना आया हुआ था अभी अभी हम लोगों ने निकाला हुआ था रीऑर्ड लेवल अब भी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था ये रहा रिकॉर्डर हो गया गाइस ये है ट्वेंटी अगर ट्वेंटी अगर हमारा रीऑर्डर लेवल है राइट ट्वेंटी फोर हंड्रेड माइनस गाइस नॉर्मल कंजम्पशन तो है ही बारह सौ और गाइस नॉर्मल पीरियड अगर निकालें तो वन प्लस टू डिवाइड बाई टू एवरेज ले लेंगे नॉर्मल ना दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं अगर कभी आपको इफ नॉर्मल पीरियड ना दिया हो नॉर्मल कंजम्पशन ना दिया हो या नॉर्मल पीरियड रीऑर्डर पीरियड डिलीवरी पीरियड लीड पीरियड ना दिया हो तो एवरेज ले लिया करो एवरेज कंजम्पशन एवरेज लीड पीरियड ले लिया करो एवरेज में हम लोग जो है ये हम लोगों ने देखा किस तरीके से निकाला ऐसे तो दिस इज 1800 हंड्रेड माइनस हुआ ट्वेंटी में से तो दिस इज 600 हंड्रेड इज दर एंड दैट वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट यहां हमारी ऑप्शन कौन सी है दैट ऑप्शनिश दिस क्वेश्चन ओके गाइज लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन एम्प्लॉय कॉस्ट का द बोर्ड ऑफ जे लिमिटेड हैज बीन अप्राइज ऑफ जनरल मैनेजर बाय जनरल मैनेजर एच आर उसने क्या बताया भाई एम्प्लॉय एट्रेशन रेट बहुत हो रहा है बहुत इंक्रीज हो रहा है एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और उसने कुछ जनरल मैनेजर एच ने कुछ हमें डेटा दिया है ट्रेनिंग पीरियड जो है न्यू रिक्रूट्स रिक्रूट्टी थाउजेंड आवर्स है पचास हजार घंटे नए रिक्रूट्स जो uh, पुराने छोड़ के गए उनकी जगह पे जो नए आए उनके थर्टी फिफ्टी थाउजेंड आवर्स जो है इनको टोटल लगे हैं जिसमें कि सिक्सटी परसेंट ऑफ द टाइम इनका प्रोडक्टिविटी एक्सपीरियंस वर्कर का काम किया कहने का मतलब

कि भाई हमारा ये जो काम है ये तीस हजार घंटे में हो सकता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब बीस हजार घंटे का ता टाइम जो है वो खराब हो गया यू टू लेबर टर्न ओवर और एक यूनिट दस घंटे में बनती है तो दस घंटे में एक यूनिट इसका मतलब ये जो ट्रेनिंग पीरियड की वजह से हमें दो हजार के भाई पुराने वर्कर छोड़ के गए नए वालों को ट्रेनिंग दे रहे हैं उसकी वजह से दो हजार यूनिट्स हमारी कम बनी और साथ में उसने कहा पोटेंशियल प्रोडक्टिव ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट के भैया पुराने छोड़ चले गए उनकी जगह पे नया आया एक लाख घंटे ये भी बर्बाद हुए तो इसका मतलब क्या हुआ एक लाख घंटे अगर मेरे पास एक्सपीरियंस वर्कर होते तो वो एक घंटे में टेन आवर्स में सॉरी एक यूनिट बनाते इसका मतलब एक लाख घंटों में वो कितनी बना पाते वो दस हजार यूनिट्स बना पाते इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों टोटल मिला के दो हजार प्लस दस हजार बारह हजार यूनिट्स का नुकसान हो गया लेबर टर्न ओवर की वजह आप से आपसे पूछा है कितना नुकसान हुआ तो आपने कहना भैया बारह हजार यूनिट्स का नुकसान हुआ है जो कि आप यहां पर कैलकुलेशंस करके दिखा सकते हो कि भाई पचास हजार घंटे में आपके पांच हजार यूनिट्स बना लेकिन वर्कर ने सिर्फ तीन हजार यूनिट्स बना तो मतलब दो हजार यूनिट्स तो ये खराब हो गई इनकी जो है ट्रेनिंग में इन्होंने ज्यादा टाइम लगा रहे हैं उसकी वजह से और साथ में डिले इन रिक्रूटमेंट की वजह से दस हजार और तो टोटल मिला के दोस्तों बारह हजार यूनिट्स का नुकसान हो गया एज द केस दिस इज द फर्स्ट पार्ट लेट्स प्रोसीड फर्दर आगे बढ़ते हैं गाइस बीस परसेंट ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग द ट्रेंड पीरियड डिफेक्टिव था ये जो ट्रेंड पीरियड का आउटपुट है कितना निकला है गाइस तीन हजार यूनिट्स निकला है आप देखो ना तीस हजार यूनिट्स में से वो क्या कह रहा है थ्री थाउजेंड यूनिट्स कैसे निकाला है मैंने तीस हजार घंटे का काम किया है इन्होंने ठीक है जी आप ये देख सकते हो टेन आवर्स इनटू वन यूनिट इसका मतलब इन्होंने निकाला कितना है इन्होंने निकाला है तीन हजार यूनिट्स और इन तीन हजार यूनिट्स में भी ये जो ट्रेनिंग है के दौरान बीस परसेंट आउटपुट जो है ये ट्रेनिंग पीरियड के खराब था इसका मतलब छह सौ यूनिट्स खराब भी हो गए और उसकी रेक्टिफिकेशन कॉस्ट कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स कितनी है पच्चीस रुपए so पर पूछा हुआ है कि भी हमें रेक्टिफिकेशन का कितना खर्चा हुआ रेक्टिफिकेशन का अगर आप खर्चा देखोगे वॉट इज द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग डिफेक्टिव यूनिट्स तो छह सौ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय अगर पच्चीस करोगे तो दिस इज कमिंग टू फिफ्टीन थाउजेंडीन थाउजेंड दिस इज द करेक्ट आंसर अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं और वो क्या कह रहा है नेक्स्ट वो कह रहा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट वन है और पीवी रेशो ट्वेंटी पता है कि सेलिंग प्राइस 180 का 20 36 रुपीस का 20 पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हुआ ओके okay, अब वो मेरे को क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में कहता है हाउ मच लॉस इन द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन हो रहा है जो कि लेबर टर्नओवर की वजह से हुआ तो आप कहोगे भी देखो हमारी 12,000 यूनिट्स नहीं बन के बिक पाई ये अगर बनती लेबर टनवन ना होती तो हमें ये नुकसान ना होता बारह हजार यूनिट्स का और एक यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन करना है 36. तो 36 अगर करोगे मल्टीप्लाइड बाय थर्टी सिक्स तो गाइस दिस इज फोर लैख थर्टी टू थाउजेंड जो कि ये रहा आपका ऑप्शन तो इन दिस केस इफ यू सी दिस इज फोर लैख थर्टी टू साथ में पंद्रह हजार दिस इज डन अब बढ़ते हैं आगे

156340 ये भी नुकसान हो रहा है हमारा और साथ में ट्रेनिंग कॉस्ट वन वन थ्री एट जीरो समटेस्ट डू मैथमेटिक्स यहाँ पर ये एड करता हूं मैं वन एट थ्री फोर एट जीरो प्लस वन फाइव सिक्स थ्री फोर जीरो प्लस वन वन थ्री वन एट जीरो सो गाइज इन सब को मैथमेटिक्स कर लेते हैं फोर थर्टी टू थाउजेंड प्लस फिफ्टी थाउजेंड प्लस रो प्लस वन फाइव सिक्स थ्री फोर जीरो प्लस वन वन थ्री वन एट जीरो गाइज दिस इज कमिंग टू समथिंग लाइक नाइन लाख रुपीज नाइन लाख रुपीज की ये वाली ऑप्शन है तो डी ऑप्शन इज करेक्ट तो दिस इज नाइन लाख रुपीज डी ऑप्शन खत्म अब बढ़ते हैं आगे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मच

सो so गाइज uh, इस क्वेश्चन में वैसे अभी हमने देखा था कॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्न ओवर जिसमें कि रिक्रूटमेंट कॉस्ट जो नए वर्कर्स की थी वो नुकसान था सिलेक्शन कॉस्ट थी न्यू वर्कर्स की ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ न्यू वर्कर्स थी साथ में सेटलमेंट कॉस्ट एट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज की और लॉस ऑफ पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस ऑफ पोटेंशियल प्रोडक्शन ड्यू टू लेबर टर्न ये हमारा खर्चा है अब बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन

फॉर द पीरियड फर्स्ट सिक्स मंथ्स में जो है इनके फाइनेंशियल ईयर में वो हमें कह रहे द बुक्स एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरेज हमारे इतनेज फैक्ट्री ओवरेज मैनुफेक्चरिंग ओवरेज जो मर्जी कह दो तो इतने खर्च हुए ये खर्च हुआ है लेकिन इस खर्चे में वो कह रहा है यार इतना तो कोर्ट ऑर्डर की वजह से है तो यार ये अब नॉर्मल है इतना जो है प्रीवियस ईयर का प्राइवीरियड आइटम है ये भी हटा दो ये स्ट्राइक पीरियड का है ये भी हटा दो ये ऑपसलिट स्टॉक है ये भी हटा दो ये सारे के सारे खर्चे जो है आप रिड्यूस कर दो इसमें से तो आपके एक्चुअल नॉर्मल खर्चे कितने हुए तो आपने क्या करना है थ्री फोर जीरो माइनस लाख माइनस फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड माइनस थर्टी सिक्स थाउजेंड ट्वेंटी फोर लाख टू थाउजेंड ये नॉर्मल खर्चे हुए ये खर्चे हुए नॉर्मल ओके ट्वेंटी फोर लाख टू थाउजेंड अब वो कह रहे हैं प्रोडक्शन एंड सेल्स डेटा हमें क्या बोल रहा है वन लाख थाउजेंड यूनिट है और वर्क इन कंप्लीट है एट्टी था एटी थाउजेंड इक्वलेंट यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस की फोर्टी थाउजेंड यूनिट्स और एक लाख दस हजार की फिनिश कुछ यूनिट टोटल मिला के एक लाख पचास हजार यूनिट्स जो है इस ये है हमारी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन चलिए बढ़िया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स लाखी थाउजेंड अब वो हमें सेल कर रहा है फिनिश गुड्स नाइन्टी थाउजेंड यूनिट्स है एज यू से नाइनटी थाउजेंड यूनिट्स बेच दी हैं जैसे आप बोल रहे दो हजार यूनिट क्लोजिंग स्टॉक बचा है एक लाख दस हजार में से इतनी बेच दी है तो बीस हजार जो है 20000 न्यूज़ वो क्लोजिंग फिनिश गुड जैसे आप अब वो कहता है एट द प्रिपरेशन ऑफ रेवेन्यू बजट इट वाज एस्टिमेटेड कि टोटल 50 लाख 44000 जो है ये इनके बजटेड खर्चे हैं ओके और बजटेड बजेटेड मशीनस 6000 है प्रोडक्शन ओवरएज एंटायर ईयर के तो ये बजटेड आर्स हो गए 6000 ये बजटेड ओवरएज हो गए ओके अब वो कह रहे ड्यूरिंग द मीटिंग डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट ने बताया कि 40 परसेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोडक्शन पॉलिसी बैलेंस वॉज ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ठीक है जी तो इंक्रीज इन कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन होनी यू आर प्रेजेंट टू प्रेजेंट एट द मीटिंग एंड चेयरपर्सन ने आपको कहा है बी रेडी परफॉर्मेंस अप्रेजल करवाओबे डिपार्टमेंटल एड्स तो सबसे पहली चीज तो बजटेड मशीन आर रेट कैसे निकलेगा भाई सिंपल सी है बात है बजटेड ओवर divided by busted machine hours. that is to say busted overheads is rupees 50 lakh 40 thousand and busted machine hours is 6000 hours my dear friends this is going to be 50 lakh 40 thousand divided by 6000 is equal to 840 rupees 840 rupees so 840 840, 840. डी इज दी करेक्ट आंसर लेटस सी ये एट फोर्टी ठीक है अच्छा नेक्स्ट हाउ मच अमाउंट द ऑफ प्रोडक्शन ओवरेज है एब्जॉर्ब अप टू दाफ ईयर तो गाय सिंपल सी बात है आप कहोगे एट फोर्टी तो हमारा एब्जॉर्बन रेट है मल्टीप्लाइड बाय हमारे एक्चुअल आवर्स ये थ्री थाउजेंड हुआ है जी दिस मल्टीप्लाइड बाय थ्री थाउजेंड आवर्स एट थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर लाख रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड एक बार देख लू मैं जरा फिर से एट फोर्टी मल्टीप्लाइडेंड ट्वेंटी थाउजेंड सही है जी ये वाला आंसर सही है Second का A. So this is 25 ,00 आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में कहता है अमाउंट ऑफ अंडर ओवरेज कितने हैं जो कि कंपेरेबल हैं वो है ट्वेंटी फोर लाख टू थाउजेंड और 24 लाख 2000 थाउजेंड इज एक्चुअल ओवर और एब्जॉर्ब अरे यहां तो ओवर एब्जॉर्ब हो गए फिर उसने 25 लाख 2000 थाउजेंड तो गाइज यहां तो हमारे ओवर एब्जॉर्ब हो गए कितने दिस माइनस दिस इज एक लाख अट्ठारह हजार ओवर एब्जॉर्ब एक लाख अट्ठारह हजार ओवर एब्जॉर्ब एक लाख अठारह हजार तो उसने लैंग्वेज क्वेश्चन की गलत दी। यहां पर उसने कहा है आ, कि भाई डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट वो कह रहा है तो ठीक है लेकिन वो कह रहा है डिफेक्टिव प्रोडक्शन डिक्रीज होना चाहिए इंक्रीज ओब्लिक डिक्रीज होना चाहिए ये गलती है इसमें में कि भाई अगर ओवर एब्जॉर्प्शन है तो आपके एक्चुअल खर्चे कम हुए हैं तो ये इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ एज एनी हाउ आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट पर सो दिस वी हैव डन ओके फिर फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है सप्लीमेंट्री रेट निकालो पोर्शनमेंट ऑफ अंडर योर एब्सॉर्ब ओवरेज डब्ल्यू आईपी फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स को देखो पहली चीज तो क्या है वो कह रहा है फोर्टी परसेंट जो ओवरेज है फोर्टी परसेंट वॉज ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं कि भाई अगर रेट तो ऐसे निकालते हो आप, आपको पता ही है कैसे निकालते हो ये बजटेड डिवाइड बाई इफेक्टिव मशीन मशीनर्स ये हम लोगों ने निकाल दिया था ठीक है बजटेड डिवाइड बाई मशीनर्स अब ये अंडर ओवर एब्जॉर्ड ओवरेज का हम क्या करते हैं एब्जॉर्बरेज जैसे हमारे यहाँ पर ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है ना ये एबजॉर्ब ओवरेज ट्वेंटी थाउजेंड थे और एक्चुअल ट्वेंटी फोर लाख टू थाउजेंड तो ये हमारे ओवर एब्जॉर्ब आ गए थे एक लाख अठारह कोई तो दिक्कत नहीं अब इसमें से वो कह रहा है जितना डिफेक्टिव प्लानिंग का है वो डिफेक्टिव प्लानिंग वाला तो कॉस्टिंग बिल अकाउंट में लेके जाओ डिफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग वाला तो कॉस्टिंग बिल अकाउंट में लेके जाओ ओवर एब्जॉर्ब की आप क्या करोगे ये एंट्री कर दोगे ओवरेज कंट्रोल टू कॉस्टिंग बिल तो कितना एक लाख अट्ठारह हजार मल्टीप्लाइड बाई फोर्टी परसेंट इतना तो आप यहां पर ले जाओ कॉस्टिंग बिल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे और बाकी का आप निकालोगे सप्लीमेंट्री रेट कितने हो गए ये अंडर एब्जॉर्ब याबरेज जैसे यहां ओवर over एक लाख अट्ठारह साठ और प्रोडक्शन यूनिट्स हम लोगों ने गाइस दिस मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइडी परसेंट और ये इक्वलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हम लोगों ने कितना निकाल लिया था ये इक्वल प्रोडक्शन यूनिट्स हमने निकाला था ये रहा सो गाइस इक्वलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स इज हाउ मच Plus ,000, ,000. So this divide by equivalent units आपने है और इसका सप्लीमेंट्री रेट निकाल लेना। तो ये देखो ये हमारा आएगा कितना वन लाख एटीन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट सिक्स ये हमारा सेवेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड है दिस डि वन लाख फिफ्टी थाउजेंड यूनिट 0.472 हमारा हमारा तो 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 इस केस में में रेट जो उसने पूछा ये तो ये आ क्योंकि आप देख सकते हैं, डाल दिया, अकाउंट जाएगा। और सेवेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड डिड खत्म अब बढ़ते हैं आगे और फिर वो कह रहा है कितना अंडर पोर्शन होगा मल्टीप्लाई कर दो

एक्टिविटी पांच नए कस्टमर्स है जो कि खरीदते हैं तो एक्टिविटी बेसिंग मेथड के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाह रहे हैं इनको येस्ट जो है इसकी पड़ती है प्रोडक्ट uh, है उसकी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए 5400 है और रिटेल कस्टमर्स को जो ये सेल कर रहे हैं ये 6480 का uh, पर यूनिट बेच रहे हैं लिस्टेड प्राइस है ये लिस्ट प्राइस है आप समझ सकते हैं यूनिट सोल्ड इन्होंने ए बी सी डी है तो ये रिटेलर्स हैं रिटेलर्स को जो है इतनी इतनी यूनिट्स बेच रहे हैं ये सबसे ज्यादा यूनिट्स ये खरीद रहा है और सबसे कम यूनिट्स ये खरीद रहा है

के बाद आपको ये पता चल रहा है क्या आइडेंटिफाई किया है रिस्पेक्टिवली कुछ कॉस्ट रेट दिए हुए हैं ऑर्डर टेकिंग कॉस्ट 4500 पर परचेज ऑर्डर तो गाइस 4500 मल्टीप्लाइड बाय दिस करते जाओ दिस 4500 मल्टीप्लाइड बाय दिस 4500 मल्टीप्लाइड बाय दिस 4500 मल्टीप्लाइड दिस 4500 बाय दिस ये आपकी इसकी कॉस्ट है जैसे आप बोलो अच्छा अब आपको अगर आ, टोटल लिस्ट सेल वैल्यू निकालनी है तो दिस इंटू दिस करके निकाल सकते हो लिस्ट सेल वैल्यू निकल आएगी कि भाई इतने का सेलिंग प्राइस था और फिर दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस कर सकते हो आप दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस कर मल्टीप्लाइड बाई दिस तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस आ जाएगा अगर आप देखेंगे तो गाइज यहां पर जो है यहां लिस्ट सेलिंग प्राइस पे आपको दिखाया हुआ है ये एड लिस्टेड नहीं ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस एक्चुअल प्राइस ये टाइपिंग एरर है आईसीआई Uh, के आर में कोई बात नहीं उन्होंने गलती की है हम ठीक करेंगे तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस के हिसाब से जो है ये हो गया तो डिस्काउंट अगर देखना है तो गाइज यहाँ 6480 का ही प्राइस था यहाँ 6480 का ही प्राइस है तो डिस्काउंट जीरो है यहाँ 6480 में से 6372 है तो यहाँ पर जो है डिस्काउंट आप देख सकते हैं थोड़ा सा निकला तो दिस माइनस दिस विल बी डिस्काउंट दिस माइनस दिस डिस्काउंट दिस माइनस दिस डिस्काउंट दिस अब बढ़ते हैं आगे फिर इसके अलावा अगेन देखिए तो कस्टमर विजिट्स दिए हुए रुपीज पर कस्टमर विजिट तो थर्टी सिक्स हंड्रेड इंटरेस्ट आप देखते हैं थर्टी सिक्स हंड्रेड मल्टीप्लाईड फिफ्टी फोर हंड्रेड से हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया हर एक को इन यूनिट सोल्ड को फिफ्टी फोर हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो COGS जी एस आ जाएगा ठीक है ये आप देख सकते हैं यही हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है सीओजीएस निकाल दिया और फिर ऑर्डर टेकिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके ये निकाल दिया फिर थर्टी सिक्स से मल्टीप्लाई करके हमने कस्टमर विजिट कॉस्ट निकाल दी आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद साढ़े सात रुपए पर किलोमीटर ट्रेवल्ड डिलीवरीज दिया हुआ है गाइस तो ये आपने क्या करना है जो आपकी नंबर ऑफ डिलीवरीज है इन टू किलोमीटर ये करके आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है सेवन पॉइंट फाइव 7.5 multiplied by these 7.5 multiplied by product of these 7.5 multiplied by product of these जो कि आप यहां देख सकते हैं यहां पर हमने 7.5 multiplied by kilometers traveled by delivery vehicles तो अगर आप यहां देखेंगे तो this is coming to how much 200 multiplied by 7.5 is equal to 50 right similarly uh, 186 is 180 into 7.5 is equal to 350 similarly

7500 और तो 22.5 फिफ्टी से आपने ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव को इससे करना है, तो कर है इस मल्टीप्लाई करके ये लास्ट नॉट द लीस्ट में अगर देखेंगे तो ये एक्सपेडाइटेड डिलीवरी सिर्फ ए की है इसी की है तो दिस इंटू One, तो ये थर्टीन फाइव हंड्रेड सिर्फ और सिर्फ इसी में आ जाएगा बाकी ये आपने टोटल कॉस्ट निकाल ली टोटल कॉस्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग कॉस्ट है एक्सक्लूडिंग सीओ जी एस है अब आपने क्या करना है ये सी ओ जी एस आपका ये रहा वो सेल्स वैल्यू आपकी एक्चुअल सेल्स वैल्यू ये रही अब इस एक्चुअल सेल्स वैल्यू यहां अगर आप देखेंगे तो ये अगेन ये एट लिस्ट प्राइस नहीं ये एक्चुअल सेलिंग अगेन ईसीआई में गलती है कोई बात नहीं हम गलती नहीं करेंगे तो ये जो है, आपने सीओजीएस माइनस करना है फिर ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा कॉस्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट हमने माइनस की तो इनका प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली आ जाएगा ओकेगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस्टशीट का पी लिमिटेड हैज गैदर्ड द कॉस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लेजेस ऑफ अदर सोर्सेस कुछ हमें लेजर एंड अदर सोर्सेज से हमें कुछ डेटा दिया कॉस्ट इन्फॉर्मेशन दिया दिसंबर इकतीस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक का और कहते हैं द इन्फॉर्मेशन टेबलेटेड बिलो नीचे दे रखा है रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है ठीक है फ्रेट इनवर्ट दिया हुआ है ये इसी में ऐड कर देंगे ये दोनों ऐड कर देंगे वेजेस ये आपके जो है डायरेक्ट वेजेस की तरह है ये जो है फ्रेट इनवर्ट डायरेक्ट एक्सपेंस है फॉर मटेरियल परचेज रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन ये डायरेक्ट एक्सपेंस है और फिर अमाउंट पावर एंड फ्यूल का ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है और जॉब चार्जेस फॉर डायरेक्ट वर्कर्स ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है अगर जल्दी से कॉस्ट शीट रिवाइज करें तो हम लोगों ने देखा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अगर हमें दिया हो उसमें ऐड करेंगे रॉ मटेरियल परचेजेस इसमें इन्वेंट्रेबल कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर में पढ़ते हैं बेसिकली कैरेज इनवर्स वगैरह चीज़ें ऐड कर देते हैं ठीक है तो लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो देखो आप अगर इस क्वेश्चन में वापस आते हैं तो ये आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे ये दिया हुआ है ये रहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक जनवरी को ये लाख इसमें रॉ मटेरियल परचेजेज ऊपर कैरेज इनवर्ट एड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमने लिया ये टेन लाख रुपीज इसमें एड किया रॉ मटेरियल परचेज और फ्रेट इनवर्ट्स ये दोनों और माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल ये रॉ मटेरियल्स कंज्यूमड आ गया इस रॉ मटेरियल्स कंज्यूम के बाद हम लोगों ने क्या करना है डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्टिव लेबर फैक्ट्री वेजेस फैक्ट्री लेबर प्रोसेस लेबर ऑपरेटिंग वेजेस ये ऐड करना है तो ये आप देख सकते हैं ये रही हमारी जो वेजेस आपको दी हुई हैं दीज आर फैक्ट्री वर्कर्स की वेजेस जो हैं दीज आर 25 लाख 20000 ये आपके डायरेक्ट वेज हो गई और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग क्या क्या ले ले ले, ले लेते हैं जल्दी से इसकी लिस्ट देख लेते हैं गाइस एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट क्या क्या होते हैं कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन अगर कोई हो ड्रॉइंग्स ब्लू प्रिंट्स जॉब अगर लगता है ट्रैवलिंग अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसिस फॉर अ पर्टिकुलर जॉब फिर कॉस्ट ऑफ मोल्स पैटर्न पेटेंट्स रॉयल्टी चार्ज जो भी आपको प्रोविंग फॉर सर्विसेज के लिए प्रोडक्शन के लिए कंसल्टेंट फीस हायर चार्जेस फॉर यूज ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट फॉर स्पेसिफिक जॉब सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस या जॉब चार्जेस फॉर स्पेसिफिक जॉब प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट वट एवरी में से फिर लाइसेंस अगर आपने कोई स्पेसिफिकली किसी जॉब के लिए आपने कोई सॉफ्टवेयर लिया उसका लाइसेंस चार्जेस यूटिलिटीज की कॉस्ट जैसे पार एंड फ्यूल स्टीम फी फॉर टेक्निकल असिस्टेंस नो हो अदर एक्सपेंसिस जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है तो इन दिस केस वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट इस गाइज ये देखो रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन अमाउंट फॉर पार एंड फ्यूल जॉब चार्जेस जॉब वर्कर्स को ये हम लोगों ने तीनों चीजे जो है

वर्क इन प्रोग्रेस एड करके क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करेंगे तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगी कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन देखिएगा इस टोर्स इन स्पेस कंज्यूम दिस इज अ फैक्ट्री ओवर एट डिप्रीजिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरेज है रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लांट मशीनरी का ये फैक्ट्री ओवरेज है ये सेल्स ऑफिस बिल्डिंग का रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है ये सेलिंग ओवरेज है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट मशीनरी ये फैक्ट्री ओवरेज है फैक्ट्री बिल्डिंग का अगेन इंश्योरेंस प्रीमियम फैक्ट्री ओवरेज है एक्सपेंसेस फॉर क्वालिटी कंट्रोल ये क्यू ये हम लोगों ने बाद में लेना है हमें क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट जो है हम लोगों को नीचे ऐड करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते समय जो कि आप यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरेज भी रिलेटेड प्रोडक्शन ले लेंगे क्रेडिट फॉर रिकवरीज अगर कोई सेल ऑफ स्क्रैप हो बाई प्रोडक्ट्स और डिफेक्टिव प्रोडक्शन हो वो भी माइनस कर देंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट प्रोडक्ट या प्रोसेस रिलेटेड वो याड कर देंगे नॉर्मल डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर कोई है और प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट ये एड कर तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी कमिंग बैक टू दिस तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ये भी जो है आर एंड डी ये भी आपकी uh, जो है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही आनी है दीज आर बोथ गोइंग टू गो इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आनी है और ये भी कॉस्ट of... चलो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इंजीनियरिंग मेंटेनेंस के ये आपके फैक्ट्री वर्र्स की तरह ले जाना फिर इसके बाद सैलरी पेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर की जो सैलरी uh, है वो आपके सेलिंग का ओवरहेड हो जाएगा एज द केस पे भी दिस इज सेलिंग ओवरहेड्स ओवर जनरल मैनेजर तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आ जाएगा फिर इसके बाद पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर प्राइमरी पैकिंग ये जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अलग से प्राइमरी पैकिंग अलग से, अलग से आती है और का दिस्ट्रिय। ये ओवरहेड्स आता है री पेड टू तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है परफॉर्मेंस बोनस टू स्टाफ ये सेलिंग ओवरहेड्स है ये ओपनिंग डब्ल्यू आई पी वो क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी है एड और माइनस करना है जी एफ सी एन एफ सी निकालते समय है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 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 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ऑफ फिनिश माइनस करना है कॉस्ट गुड है, निकालते हैं तो सबसे पहली चीज अब हम लोगों ने यहाँ तक निकाल लिया था प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट में अब फैक्ट्री ओवरेज में हमने क्या क्या चीजें ली हैं जरा एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं फैक्ट्री ओवरेज के एक तो ये आ जाएगा वन लैख टेन थाउजेंड एक ये आ जाएगा फोर्टी थाउजेंड 28, 200, 18, 800 तो ये आपने लेते जाना है यस ये, और और ये थर्टी सिक्स थाउजेंड है और कोई फैक्ट्री एवरेज फैक्ट्री एवरेज नहीं और कोई फैक्ट्री एवरेज नहीं है तो ये आप देख सकते हैं ये रात 30,000 थाउजेंड ये आपका है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी इसमें फिर आपने ऐड कर देना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क आपका ये रहा ये लेने के बाद आपके जो है एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई हमारे रिलेटेड प्रोडक्शन होते तो वो लेते लेकिन वो दिए नहीं हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी एक तो ये प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट आएगा फोर्टी सिक्स थाउजेंड एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारा ये आएगा छोटा डेवलपमेंट एक क्वालिटी कंट्रोल आएगा 1820 और ये है 46000 ये रहा ये रहा 1820 और ये 46 तो वापस आते हैं अब उसने हमें साथ में जो है ये बोल रखा है नीचे अगर आप पढ़ेंगे अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप वेस्ट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो हमने देखा था कि भई ये चीज हम माइनस कर देते हैं ये हम लोग जो है कोई सेल ऑफ स्क्रैप अगर होती है तो वो रिड्यूस कर देते हैं ये स्क्रैप के रियलाइजेबल वैल्यू रिड्यूस करते हैं तो ये आपने कर देना ये ये आपकी कॉस्ट ऑफ ऑफ प्रोडक्शन आ गई इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स जो कि रहा ट्वेल्व लाख क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर देंगे टेन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो ये आपका एडजस्ट करके और कॉस्ट ऑफ गुड्स इसमें फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे ये रहे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड सेलिंग के भी खर्चे और डिस्ट्रीब्यूशन के भी खर्चे लेना ठीक है जी जो सेलिंग के खर्चे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे ये और ले लेना एटी थाउजेंड वन ट्वेंटी ये वन ट्वेंटी और इसके अलावा सेलिंग के ये वाले भी ले लेना फाइव सिक्सटी एडमिनिस्ट्रेशन के सिक्स फोर्टी और ले लेना ठीक है गाइज और ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के अगेन फिफ्टी थाउजेंड लेना तो ये आप देख सकते हैं ये फिफ्टी थाउजेंड सिक्स फोर्टी और वन ट्वेंटी ले लिया ट्वेंटी थाउजेंड रिपेज एंड ट्वेंटी ले लिया कुछ डेटा दे रहा है ओपनिंग सॉरी ये फाइनेंशियल बुक्स का मीन फिनिश ये फाइनेंशियल क्वेश्चन है तो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो वो क्वेश्चन में हम लोगों को बोल क्या रहा है कि आप लोगों को प्रिपेयर uh, स्टेटमेंट Of as per and की बनानी है और कॉस्टिंग रिकॉर्ड की भी स्टेटमेंट आपको बनानी है और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की स्टेटमेंट बनानी, बनानी है मीन्स इनकम स्टेटमेंट बनानी है बट अगर हम लोग इनका आंसर देखें तो दोस्तों यहां पर इनकम स्टेटमेंट की जगह यहां पर आंसर में जो है पी एंड एल अकाउंट बनाया हुआ है देखिए मेरा पर्सनल व्यू तो ये बनता है दैट जब उसने स्टेटमेंट बनाने को बोला है तो आपको स्टेटमेंट बनानी चाहिए ना कि इनकम स्टेटमेंट ना कि अकाउंट अब इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अगर कहें और डेबिट क्रेडिट कर दें तो दिस इज नॉट स्टेटमेंट दिस इज नॉट स्टेटमेंट दिस इज पीएनएल अकाउंट तो अगर वो कह है स्टेटमेंट बनानी है तो यार रेवेन्यूज में से कॉस्ट माइनस करो

अकाउंट में बनाना है तो इसको आपने डेबिट कर देना है डब्ल्यू भी आपका जो है डेबिट कर देंगे ओपनिंग स्टॉक्स रॉ मटेरियल कंज्यूम भी डेबिट करेंगे डायरेक्ट लेबर भी डेबिट करेंगे अगर आपने डेबिट क्रेडिट करना है तो फैक्ट्री ओवरेज भी डेबिट करेंगे गुडविल भी डेबिट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरेज भी फिर इनकम टैक्स भी डेबिट बैड डेट्स भी डेबिटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरेज भी डेबिटेड इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट करेंगे रेंट रिसीव क्रेडिट करेंगे सेल्स क्रिएट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक क्रिएट करेंगे 375 सेवेंटी फाइव यूनिट्स है ये फोर्टीन फाइव हंड्रेड यूनिट सोल्ड है और डब्ल्यू आईपी भी क्रिएट करेंगे अगर आपने डेबिट क्रिएट करना है तो ये रहा ये आपका सेल्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुज डब्लू आईपी क्रिएटेड रेंट रिसीव इंटरेस्ट इंटरेस्टीव क्रेडिटेड फिर ओपनिंग स्टॉक गुड्स आईपी डेबिटेड रॉ मटेरियल कंज्यूम डेबिटेड डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री मेटर गुडविल रिटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनकम टैक्स बैड डेट्स ये आपका बैलेंसिंग फिगर बच रहा है बट अगर आप मुझसे पूछो जब वो स्टेटमेंट बनाने के बोल रहा है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए इसमें तो तो इस जो है आप इस तरीके से कॉस्ट ऑफ सोल्ड निकाल सकते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिशो डब्ल्यू मटेरियल रॉमटेम डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री वर्ज ये सारे के सारे एड करके और फिर ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ

आ जाएगा नेट प्रॉफिट या वॉट एवर यू में कॉल पी ए टी पैट वो में से तो दिस इज नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट हमारा इस तरीके से आ जाता है हम नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट आ जाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं गाइज फिर नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट हम लोगों को निकालना है उसके लिए आप कॉस्ट शीट बनाएंगे कॉस्टशीट के लिए डेटा क्या दिया हुआ है द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कॉस्टशीट बनाने के लिए कुछ वेरियंट एनालिसिस कर रहे हैं कॉस्ट रिकवरी बेसिस हैव बीन कॉस्ट ऑफ द कंपनी देखिए जरा क्या दे रहा है फैक्ट्री वेजेस वेजेस आर अब्सॉर्ब्ड एट 60% ऑफ तो इसका मतलब क्या है दोस्तों डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस तो सेम ले लो डायरेक्ट मटेरियल्स और डायरेक्ट वेजेस ये तो दोनों सेम ले लो। ये ये 784 और 465 ये तो दोनों सेम ले लिए। ये हम लोगों ने यहां पर लिए ये 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 रहे। ये 784 और 465 ये आपकी आ बोला क्वेश्चन में फैक्ट्री वेज जो है सिक्सटी परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस ये रही फोर तो फाइव का आपने 60 परसेंट निकाला यहां पर एब्जॉर्ब कर दिया ये फैक्ट्री वेज एब्सॉर्ब हो गई आपकी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गई अब डब्ल्यू के लिए वो कह रहा है यार वर्क इन प्रोग्रेस का जो हमारा है वो फैक्ट्री कॉस्ट में लिया हुआ दोनों फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है वही फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स दोनों के लिए सेम है तो ओपनिंग स्टॉक जो है डब्लू का थर्टी थ्री थाउजेंड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू जो है वो आपका फोर्टी एट टू हंड्रेड है तो यही वाली चीजें आपने ऐड करके और माइनस करके आपने फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कह दो या इसे नेट फैक्ट्री कॉस्ट कह दो और इसको आप ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का हो अच्छा फिर उसके बाद जो है ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट से नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के बाद फिर आपने क्या देखना है इसके बाद फिर वो हमें कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरस प्रोडक्शन रिलेटेड ट्वेंटी परसेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट एब्सॉर्ब होने हैं तो ये जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आई ये फिफ्टीन लाख ट्वेल्व इसका ट्वेंटी आपने जो है इसमें यहां पर एब्सॉर्ब करना है तो ये आपका लेके आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस किए आप देखो ना इन्होंने यूनिट्स सोल्ड कितनी किए फोर्टीन फाइव हंड्रेड फोर्टीन फाइव हंड्रेड बेचने के बाद भी थ्री सेवेंटी फाइव पड़ी हुई है इसका मतलब फोर्टीन थाउजेंड एट सेवेंटी फाइव यूनिट्स इनके पास अवेलेबल फॉर सेल है जिसमें सेवेंटी फाइव यूनिट्स पहले की थी तो यूनिट्स प्रोड्यूस अगर निकालनी है तो आप ये कौन फोर्टीन फाइव हंड्रेड बेचने के बाद भी थ्री यूनिट्स पड़ी हुई है इसका मतलब टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर जिसमें से एट सेवन फाइव अगर पहले की पड़ी थी इसका मतलब यूनिट्स प्रोड्यूस्ड जो है वो हमारी आ जाती है 14, तो ये फोर्टीन थाउजेंड यूनिट्स हमने यूनिट्स प्रोड्यूस निकाल दी फिर इसके बाद फिर बारी आती है ये दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ये हम लोगों ने देख लिया था दिस इज 14,000 यूनिट्स की कॉस्ट और अब अगर देखें तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की उसने वैल्यू हमें दी हुई है पांच रुपए का लेना है तो 875 यूनिट्स जो है हमारी वो 875 यूनिट्स की वैल्यू 875 मल्टीप्लाइड बाय 105 है और क्लोजिंग स्टॉक की जो यूनिट्स हैं क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स कितनी है 375 वो आप इस हिसाब से वैल्यू करोगे कि भाई ये एटीन लैख फिफ्टीन थाउजेंड थ्री सिक्सटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 14,000 यूनिट्स का है तो मुझे बताओ थ्री सेवेंटी यूनिट्स का कितना हुआ ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इनिश गुड्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि यहाँ पर ये दिखाया हुआ है

इसके बाद जो है आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है इसको आप कंपेयर कर देंगे आपकी सेल्स वैल्यू से प्रॉफिट तो तो बच गया एज पर कॉस्ट अकाउंट सो ये हम लोगों ने जो है फर्स्ट पार्ट कर लिया सेकेंड पार्ट में उसने कहा कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन निकाला ही था नीचे ये था ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट हो गया ये सेकंड पार्ट है थर्ड पार्ट में कह रहा है स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन वाली बनाओ कॉस्ट अकाउंट्स से करो, तो guys, के लिए हम लोग क्या करते हैं रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बुक्स हम लोग कैसे करते हैं वी कैन सी वी कैन स्टार्ट विद एनीथिंग हम लोग नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स पे जा सकते हैं एंड वाई सी तो अगर नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से शुरू करें गाइज

फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर हुए वो 265 हुए 265 इनकर्ड बट एब्सॉर्ब 279 मींस व्हाट 14000 ओवर एब्सॉर्ब है तो इसको आप ऐड कर देंगे इसको आप ऐड करेंगे जो तो कि यहां ये रहा 14000 ये हम लोगों ने जो है इधर ये ऐड करके दिखा दिया फैक्ट्री इसी तरीके से दूसरा फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवर थ्री लाख फिफ्टीन थाउजेंड एक्चुअली इनकट है बट अगर एब्जॉर्ड में देखें तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवर थ्री लाख टू थाउजेंड फाइव सिक्सटी हमारे एब्जॉर्ब जो है वो कम है एक्चुअली इनकर्ड ज्यादा तो ये अंडर एबजॉर्ब्ड है को गाइज हम लोगों को क्या करना पड़ता है मैं को माइनस करना होता है तो अगर हमारी अंडर एब्जॉर्ब ओवरेज इन कॉस्ट अकाउंट होती है तो हम माइनस करते हैं जो कि आप यहां पर देख सकते हो कि हम लोगों ने ये अंडर एब्जॉर्ब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरेज जो है ये माइनस कर रखे हैं यहाँ पे फिर इसी तरीके से नेक्स्ट फिर बारी आती है गाइस आपके कोई ओवर वैल्यूशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो कॉस्ट अकाउंट्स में एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल अकाउंट्स तो अगर आप देखेंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस का तो इन्वेंट्री सेम थे लेकिन फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री जो है वो डिफरेंट थे फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक जो है इनका सेवेंटी सिक्स फाइव ट्वेंटी फाइव है और हमारे ये तो हमारे फाइनेंशियल uh, अकाउंट्स में और कॉस्ट अकाउंट्स में अगर कॉस्ट शीट में आप देखोगे तो गाइज ये हम लोगों ने कितना लिया है ये हमारा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये ये रहा आप देखिए 91875 तो ये ओवरवैल्यूड है 91875 माइनस 76525 तो ये आप क्या कर सकते हैं गाइस इसको आप कह सकते हैं ओवरवैल्यूड है तो इसको माइनस करके दिखाएंगे कि हमने खर्चे या ओपनिंग स्टॉक जो है ज्यादा दिखा रखे हैं तो ये आपने यहाँ पर और ऐड कर दिया माइनस नहीं ऐड करके दिखाएंगे कि आपने खर्चे ज्यादा दिखा रखे हैं तो नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स तो में आपने आ, कॉस्ट अकाउंट्स में इनकम कम कर रखी है तो इसलिए उसको बैक करो या अपने खर्चे यहाँ पर कॉस्ट अकाउंट्स में इतने चार्ज किए हुए हैं या जो भी है ओपनिंग स्टॉक और वहां पर फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपने इतना किया हुआ तो है तो यहाँ खर्चे ज्यादा चार्ज किए तो बैक करो नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट फिर इसके बाद गायस आती है फिर नेक्स्ट uh, चीज आती है आपकी अगली uh,

43250 है इसको आपको माइनस करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि हमने क्या बोला हमने कहा अगर हमारे क्लोजिंग स्टॉक्स जो है ओवर वैल्यूड हो इन कॉस्ट अकाउंट एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल अकाउंट्स हम लोगों को रिड्यूस करना चाहिए तो हम लोगों ने उस हिसाब से यहाँ पर रिड्यूस करके दिखाना है इनका जो डिफरेंस है वो ये रहा हम लोगों ने रिड्यूस करके दिखा दिया क्लोजिंग स्टॉक्स ओवर वैल्यूड ये माइनस कर दिया इसके बाद फिर गाइज नेक्स्ट चीज अगर बात करें तो नेक्स्ट चीज हम लोग कहते हैं कोई ऐसे खर्चे हैं जो कि हमारे प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस हैं कॉस्ट में नहीं आते हैं तो वो माइनस कर दो तो अकॉर्डिंगली अगर आप यहां देखेंगे तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक ये तो हो गया था ये इनकम टैक्स बैडेड लॉस ये दोनों और गुडविल रिटर्न ऑफ ये तीनों के तीनों जो है प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस है तो नाइन्टी फाइव थाउजेंड सेवेंटी टू थाउजेंड नॉट ट्वेंटी तीनों आपको माइनस करके दिखाने पड़ेंगे ये हमने माइनस करके दिखा दिया केस भी तो ये इस हिसाब से हमारा ये वाला सिस्टम भी हो गया और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरेज देखें तो गाइस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरेज हमारे कितने हैं इनकर्ड एक्चुअली है और जो, हैं जो हम लोगों ने कॉस्ट शीट में दिखाए हैं एब्जॉर्ब हमारे कितने हैं ये रहे फाइव रुपीज पर यूनिट सोल्ड थे तो ये हम लोगों ने ये ले लिया था फोर्टीन फाइव हंड्रेड इंटू फाइव दिस इज सेवेंटी टू फाइव हंड्रेड हमारे और इनकर्ड है सॉरी कितना

प्रोसेसिंग uh, के लिए और प्रोसेसिंग uh, प्लांट की कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी 90 किलोवाट पर आर ये जो है इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है एंड बैच टेक्स वन आर मिनट्स टू कंप्लीट एक घंटा 45 मिनट में ये कंप्लीट होता है एज द केस में भी ओनली सीमिट्रिक साइज ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोसेस एट दैट टाइम एट अ टाइम एक बार में एक ही जैसे प्रोडक्ट्स जो है या तो आप बनाना है तो थ्री लीटर्स के बॉटल्स या वन पॉइंट या सिक्स हंड्रेड एक ही बार में बना लो तो कह रहा है आगे मशीन सेटअप टेक्स 15 मिनट्स टू तो गेट रेडी नेक्स्ट बैच प्रोसेसिंग के लिए जैसे आप बोलो कहता हैं ड्यूरिंग द सेटअप पार कंजम्पशन सिर्फ ट्वेंटी परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेटअप के दौरान पार कंजम्पशन हो रही है लेकिन 20 परसेंट हो रही है जितना नॉर्मली होती है उसका बीस होती है जैसे आप बोले कहता हैं करंट प्राइस ऑफ लार्ज मीडियम और स्मॉल ये इनका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वन फिफ्टी और फिफ्टी रुपीज है एक एक बॉटल का टू प्रोड्यूस अ लीटर ऑफ बेवरेज एक लीटर के लिए चौदह लीटर ऑफ रॉ मटेरियल लगेगा डब्लू ओके लीटर लीटर के लिए 14 w, 25 ml लगेगा मटेरियल और फिर जो कि आपको आता है आर रिक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ फिफ्टी पैसे एंड वन थाउजेंड पर लीटर रिस्पेक्टिवली गॉइज ये वाला जो है डब्लू जो है ये इतने का आ रहा है और मटेरियल सी जो है वो इतने का आ रहा है एज द केस में भी तो वो कह रहा है ट्वेंटी लेबर आवर्स रिक्वायर्ड हैं और वर्कर्स जो है उनको फॉर आवर शिफ्ट इनको देना है एज द केस में भी, एवरेज पैकिंग कॉस्ट पर बॉटल तीन रुपए है जो मर्जी आपको तीन रुपए की पैकिंग कॉस्ट है पार कॉस्ट इज सेवन रुपीज पर किलोवाट वट आर जैसे आप बोलो तो पार कॉस्ट इतनी है अदर वेरिएबल कॉस्ट थर्टी थाउजेंड पर बैच है हर बैच के हिसाब से वेरी कर रही है फिक्स कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग बाय गॉड फोर करोड़ नाइन लाख है है काफी अमाउंट भाई इनका अल्टीमेटली मैन्युफैक्चर का खर्चा इतना नहीं है जो कि मार्केटिंग का खर्चा बहुत ज्यादा है होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट जो है एक रुपए पर बॉटल पर एनम है मार्केटिंग टीम ने सर्वे किया है डिमांड ऑफ द बॉटल्स हमें दी हुई है भैया थ्री लाख लीटर जो है इनका

एक बार में 5000 लीटर एक बैच में कैपेसिटी है प्लांट की तो एक बार में 5000 लीटर ये लोग जो है मैन्युफैक्चर कर सकते हैं वन टाइम में तो अगर 3 3 लीटर के अगर बनाए तो 5000 लीटर डिवाइड बाय 3 लीटर इच कितनी बॉटल्स बना पाएंगे 5000 डिवाइड बाय 1.5 लीटर कितनी बॉटल्स एक बार में बना पाएंगे और इस हिसाब से 5000 डिवाइड बाय 600 ml 1000 ml अगर आप करोगे

नंबर टू गाइस हम लोगों को क्या करना चाहिए हमारी डिमांड जो है हम लोगों को उसने बता रखी है कि भाई थ्री लाख लीटर्स हमें चाहिए तो कितने बैचेस दिस डिवाइड बाय जो भी अभी हमने एक बैच में कितनी बॉटल्स सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइड बाय जितनी बॉटल्स पर बैच ट्वेंटी लाख डिवाइड बाय जितनी भी बॉटल्स पर बैच कहने का मतलब ये आपने क्या किया वन है तो इससे ये डिवाइड किया तो इतने बैचेस

इनकी कॉस्ट अगर देखोगे और रेवेन्यूज तो हम लोगों को ये दिख ही रहे हैं वी नो व्हाट आर रेवेन्यूज वी कैन कैलकुलेट दी कॉस्ट आल्सो वो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जा सकती है आप अगर देखेंगे तो गाइज सबसे पहली चीज इफ आई टॉक अबाउट कितने लीटर इनका आउटपुट निकल रहा है दिस मल्टीप्लाइड बाय थ्री लीटर्स दिस मल्टीप्लाइड बाय वन लीटर्स दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.6 सिक्स लीटर्स ऐसा कह दो तो कितना कितना जो है इनका आउटपुट निकल रहा है दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इतने लीटर इतने लीटर इतने लीटर ये आपका जो है थर्टी लाख ट्वेंटी इतने लीटर आउटपुट जो है हमारा बन रहा है एज द केस में भी अब इतने लीटर अगर हमारा आउटपुट बन रहा है गाइस आगे अगर पढ़े तो आ, अब उसने हमें बोला हुआ है एक लीटर के लिए हमें

और फिर दिस मल्टीप्लाइड बाय 25 बाय 1000 आप करोगे तो ये इतने लीटर दिस मल्टीप्लाइड बाय 25 बाय 1000 करोगे तो ये इतने और दिस मल्टीप्लाइड बाय 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 25 बाय 1000 एमएल करोगे तो ये इतने लीटर्स जो है रिस्पेक्टिवली आपके मटीरियल सी लग रहा है टोटल मिला के इतना अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट फिर गाइज अगली चीज आती है अगली चीज अगर देखें तो हम लोगों को वी uh, नो हमारी कॉस्ट में अगर हम लोगों को लेके चलना है जैसे वी कैन स्टार्ट विद मटीरियल कॉस्ट वी कैन स्टार्ट विद एनी कॉस्ट हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर अगर बात करें तो हमें uh, कितने घंटे लग रहे हैं हमारे एक बैच को प्रोड्यूस करने के उसने क्वेश्चन में हमें लोगों को बता रखा है कि भाई वन आर फोर्टी फाइव मिनट्स एक बैच को लगता है अब वन आर फोर्टी फाइव मिनट्स लगता है और साथ में पंद्रह मिनट जो है वो इनका सेटअप टाइम है सेटअप टाइम है तो अगर हम लोगों को हिसाब लगाना हो तो हमें अगर आप हिसाब लगाओगे तो दिस मल्टीप्लाइड बाई टू आवर्स दिस मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड बाई टू आवर्स टोटल टाइम इतना लग रहा है टोटल आवर्स रिक्वायर्ड इतने लग रहे हैं ठीक है जी इतने लग रहे हैं अब इस हिसाब से अगर हम लोग कहें तो हमें एक शिफ्ट जो है एक वर्कर्स जैसे अगर हमारे ट्वेंटी वर्कर्स हैं और हर एक की आठ घंटे की शिफ्ट है और एट एटी रुपीज हम लोग पे करते हैं एक बंदे को एक शिफ्ट के लिए पर आर नहीं है ये पर शिफ्ट हमें कॉस्टिंग दी हुई है एज द केस में भी तो अगर हम लोग एम्प्लॉ कॉस्ट का हिसाब किताब लगाना चाहें तो उसके लिए सबसे पहली चीज हमने देखो भाई एम्प्लॉई के तो दो दो घंटे लगने हैं भाई चाहे सेटअप हो रहा हो चाहे रनिंग हो रही हो पार को अलग देखेंगे दो दो घंटे लग रहे हैं सेटअप पंद्रह मिनट और फिर रनिंग हो रही है एज द केस में भी वन आर फोर्टी फाइव मिनट तो इतना अगर हमारे को आर्स लगने हैं और एट आर से अगर मैं डिवाइड करूं, तो करूं, तो करूं, तो तो करूं तो कितने शिफ्ट एट आर से डिवाइड करूं तो कितने शिफ्ट से डिवाइड करूं तो शिफ्ट इसको भी चाहो तो एट आर से डिवाइड करूं तो कितने शिफ्ट ये हमारी शिफ्ट जो है गाइज आ जाती है टोटल मैन शिफ्ट पहले वाले के लिए इतनी दूसरे वाले के लिए इतनी तीसरे वाले के लिए इतनी चौथा टोटल सबका मिला के इतनी मैन शिफ्ट हमारी लगनी है एज द केस में भी और फिर इसी तरीके से जैसे आपने मैन शिफ्ट निकाल दी उसके हिसाब से अगर आप कॉस्ट निकालना चाहो एम्प्लॉ कॉस्ट निकालना चाहो तो आप इम्प्लॉई कॉस्ट निकाल सकते हो किस तरीके से आप uh, को यू आर अवेयर ऑफ दैट एक uh, मैन शिफ्ट का जो है हम लोगों को रुपीज रखता है तो वो हम लोग नीचे जो है हमें पर बैच कॉस्टिंग करनी हो पर बैच कर सकते हो टोटल करके फिर नंबर ऑफ बैचेस से डिवाइड करो इट्स योर प्रेजेंटेशन आप कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं अब अगर मैं पार कॉस्ट की बात करूं पार कंजम्पशन कितनी हो रही है तो गाइज सबसे पहली चीज पार कंजम्पशन की बात करें तो हमारे कितने बैचेस हैं और एक बैच में हमें वन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स जो है रनिंग के लिए लगता है और फिफ्टीन मिनट जो है हमें सेटअप के लिए लगता है तो गाइज ये हमारे इतने बैचेस हैं इतने बैचेज हैं इतने बैचेज हैं

कितनी कंज्यूम हो रही है वो आप निकाल सकते हो कि भाई एक बैच में कितनी बार कंज्यूम हो रही है तो दिस इज दिस दिस एंड दिस नो प्रॉब्लम साथ में गाइज पंद्रह मिनट आप लोगों को पता है क्या चीज फिफ्टीन मिनट्स आपको पता है सेटअप के लिए लगता है 15 मिनट्स को आप 15/60 बाय मिनट्स करके 0.25 आर भी कह सकते हो 0.25 आवर्स 0.25 आवर्स 0.25 आवर्स तो इनको आप क्या कर सकते हो बैचेस से मल्टीप्लाई करके जैसे ये आपके 180 बैचेस मल्टीप्लाईड बाय 0.25 225 मल्टीप्लाईड बाय 0.25 दिस इनटू 0.25 645 इनटू 0.25 तो ये आपके टोटल में लाके कितने आरस हमें चाहिए होंगे uh, सेटअप uh, के लिए वो हमारे आ जाते हैं और फिर इसको अगेन आप क्या कर सकते हैं guys, आपकी 18 kilowatt, अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो गाइस ये आपकी रिस्पेक्टिवली आ जाएगी कितनी पार कंजम्पशन हो रही है और अगर पर बैच निकालना है तो अगेन इसको वन से डिवाइड किया इसको टू से डिवाइड किया और तीसरा नंबर इसको टू से डिवाइड किया ऐसे करके आपकी पार कॉस्ट जो है इसको 645 से डिवाइड किया तो ये आपकी जो है पर बैच कितनी पार कंजम्पशन हो रही है वो आ जाएगी एज द केस में भी अब बढ़ते हैं आगे सो so गाइस हमने पार कंजम्पशन भी निकाल ली बहुत बढ़िया है अब हम लोग अगर इनका प्रॉफिट और लॉस निकालना चाहें तो इसकी कॉस्ट बना सकते हैं हम लोग पहले लेट्स स्टार्ट विद कि भैया हमें कितनी कितनी बॉटल्स जो हैं बेचनी है आप ये देखो ना इन्होंने थ्री लाख बॉटल लाख फिफ्टी थाउजेंड और ट्वेंटी लाख बॉटल्स जो हैं बेचनी है और इनके सेलिंग प्राइस पर बॉटल इज वन फिफ्टी नाइनटी एंड फिफ्टी तो ये आप इनको जो है मल्टीप्लाई करके इतनी डिमांड है इतनी डिमांड है इतनी डिमांड है और ये प्राइस है ये आप जो है सेल वैल्यू निकाल सकते हो सेल्स वैल्यू जो है आपके एज द केस में भी टोटल रेवेन्यूज आ जाएंगे आपके ये टोटल रेवेन्यूज इतने आ गए उसके बाद फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बारी आती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ये हम लोगों ने देख लिया तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का हम लोग अगर हिसाब किताब लगाए तो गाइज अभी अभी हम लोगों ने ये देखा कि कितने लीटर हमें जो है मटेरियल लगेगा वो हमने ऊपर वर्किंग में निकाल लिया था और 50 पैसे का जो है डब्ल्यू आ रहा है और 1000 का जो है ये Uh, दूसरा मटेरियल सी आ रहा है तो हम लोगों ने अभी अभी थोड़ी देर पहले कितना लीटर्स क्या लगेगा वो निकाल लिया था तो ये आप देखिए ये हमारा कितना लग रहा है वन लाख ट्वेंटी वन करोड़ ट्वेंटी सिक्स लाख राइट वन करोड़ ट्वेंटी सिक्स लाख इंटू पॉइंट फाइव कर देना वन फिफ्टी सेवन फिफ्टी थाउजेंड इन पॉइंट फाइव कर देना और वन सिक्सटी एट

तो ये आपने निकाल लिया था सिमिलरली ये 78, 75 और फिर ये जो है 84 फोर लाख इन का सम और फिर ये आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया ट्वेंटी टू हंड्रेड इंटू हंड्रेड सिमिलरली बाकी भी हम लोगों ने जो है तो ये हमारा जो है रिस्पेक्टिवली वैल्यूज जो है आ गई है दिस इज डन अब बढ़ते हैं आगे तो गाइज ये हमारी टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इतनी आ गई है वो सेल वैल्यू आ गई थी ऊपर ये हमारी टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ गई है अब बारी आती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की सो तो गाइज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट वेजेस की अगर बात करें तो हम लोगों ने आर्स निकाल लिए थे कितने आर्स हमारे वर्कर्स को लगेंगे हम लोगों ने मैन शिफ्ट निकाल ली थी 900 1140 1200 एंड टोटल मिला के थ्री टू फोर और आपको पता है कि एक मैन शिफ्ट का हमें कितना खर्चा आ रहा है उसने हमें बताया हुआ था एट एट्टी रुपीज आ रहा है तो आपने क्या करना है 880, 880, 880, 880, ये आपका रिस्पेक्टिवली आ जाएगा तो 900 हंड्रेड इंटू ये रहा हमारा 792 तो अकॉर्डिंगली बाकी भी ये सारे हम लोगों ने इस हिसाब से ही निकाल लिए हैं ये हमारी टोटल जो है एम्प्लॉय कॉस्ट जो है एज द केस में भी या वेजेस जो है डायरेक्ट वेजेस आ गई हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो तो एवरेज पैकिंग कॉस्ट पर बॉटल हमें बॉटल्स हम लोगों को पता चल गई थी हमने शुरुआत में ऊपर बॉटल्स निकाल ली थी कितनी बॉटल्स तीन लाख बॉटल्स सात लाख पचास हजार बॉटल्स बीस लाख बॉटल्स टोटल मिला के थर्टी लाख फिफ्टी थाउजेंड बॉटल्स मल्टीप्लाइड बाई थ्री रुपीज करते जाएंगे तो ये इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री करके ये हमारी जो है पैकिंग कॉस्ट आ गई है अब बढ़ते हैं आगे फिर बारी आती है नेक्स्ट पार कॉस्ट की गाइस पार कॉस्ट सेवन रुपीज पर किलोवाट आ रहे हैं हमने ऊपर अभी निकाला था कि हमारी कितनी पार कंजम्पशन होगी हमारी पार कंजम्पशन कितनी हो जाएगी या ये अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले निकाला था प्रोसेसिंग के लिए हमारी कितनी पार कंजम्पशन होगी ट्वेंटी दिस मल्टीप्लाइड बाय सेवन कर दोगे ठीक है जी दिस थर्टी फाइव थाउजेंड फोर थर्टी सेवन पॉइंट फाइव इंटू सेवन कर दोगे और थर्टी सेवन एट हंड्रेड इंटू सेवन कर दोगे ये जब आप लोगों ने निकालना है गाइस तो ये आपका एज द केस में भी ये यहाँ पे यही निकाल दिया हम लोगों ने ये हमने हमने निकाल दिया इंटो 7, इंटो 7, इंटो 7 करके इसी तरीके से ऊपर अगर तो सेटअप सेटअप के के लिए लिए भी देखा था कि के लिए हमारे कितने -10 -7 कर दोगे फिर इंटू सेवन कर दोगे कर कर दोगे 7 कर दोगे एज द केस में भी तो ये अगर आप देखेंगे तो ये हमने इंटू सेवन करके ये भी हम लोगों ने निकाल दी तो ये हमारी पार कॉस्ट टोटल आ गई है ठीक है जी टोटल मिला के पार कॉस्ट दिस इज टोटल पार कॉस्ट फिर इसके बाद और देखिए आए क्वेश्चन में अदर वेरिएबल कॉस्ट थर्टी थाउजेंड रुपीज पर बैच हमने ऊपर बैचेस देख लिए थे कितने बैचेस हमारे बन रहे थे हमने सबसे पहले पहल हमनेसर्टी थाउजेंड इंटू टू फोर्टी बैचेस ये आपने जब निकालना है तो गाइज दिस इज समथिंग लाइक थर्टी थाउजेंड इन नंबर ऑफ बैचेस करके ये आपकी अदर वेरिएबल कॉस्ट जो है आ गई है फिर आप इन सारी कॉस्ट को समअप कर सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर बैच आप टोटल निकाल सकते हैं इन सब का क्योंकि पार कॉस्ट ये रही अदर वेरिएबल कॉस्ट ये रही फिर हमारी डायरेक्ट वेजेस ये रही पैकिंग कॉस्ट ये रही मटेरियल तो कॉस्ट ये रही इन सब को हम लोगों ने समअप किया और समअप करके हमारी जो है टोटल कॉस्ट आपने वेरिएबल कॉस्ट निकाल दिया फिक्स कॉस्ट देखें तो फोर करोड़ नाइन्टी लाख उसने निकाली हुई है ये तो देखो भाई ये तो एंड में ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए एक ही बार भी माइनस होगा अब ये जो है ये जो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई है इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप क्या कर सकते हैं इसको आप से कर सकते हैं एज द केस में भी इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बैचेस हम लोगों ने ऊपर निकाले थे again, मैं एक और बार दिखा देता हूँ वन एट्टी बैचेस थे हमारे टू ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी इनसे हम लोगों ने इसको डिवाइड कर देना है दिस डि एट्टी दिस divide by 225 this divide by हमारा और कितने बैचेस आए थे uh, 240 थे 240 240 240 Yes, 240 तो ये हमने इस हिसाब से इनसे डिवाइड किया 240 से डिवाइड किया तो ये हमारी जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर बैच अगर निकालनी है तो निकाली जा सकती है और फिर सेल प्राइस पर बैच हम लोगों को आ, निकालना है वो निकाला जा सकता है या फिर आप टोटल प्रॉफिट निकाल के फिर उसको बैचेस से डिवाइड कर दें अगर आप चाहें तो एक्चुअली क्या है उसने क्वेश्चन में हमसे मांगा क्या है उसने हमसे मांगा है प्रॉफिट और लॉस पर बैच तो यहां पर इन्होंने प्रॉफिट और लॉस पर बैच नहीं निकाला हुआ आईसीआई के आर में फिर एक गलती दिख रही है गलती क्या है गाइस दिस इज अस्टेक मांगा कुछ हुआ है

निकालना है और अगर ओवरऑल दिखाना है तो दिस डिवाइड करके दिखा सकते हो कि हमें प्रॉफिट और लॉस पर बैच ओवरऑल में इतना आया है आफ्टर फिक्स कॉस्ट दिस इज बिफोर फिक्स कॉस्ट हमारा प्रॉफिट एंड दैट इज आफ्टर फिक्स कॉस्ट वाला प्रॉफिट ये आपको एंड में वैसे निकाल के दिखाना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है अब बढ़ते हैं आगे ओके गाइस दूसरा नंबर हमें इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालना है ईबी निकालना है ईबी के लिए हमें ए चाहिए ए हमारा कितने लीटर्स है वो हम लोगों को ऑलरेडी पता ही है अभी हम लोगों ने शुरुआत में ए निकाल दिया था या डिमांड जैसे ये डी निकाल दिया था द केस में भी तो ये हमारी टोटल कितनी बॉटल्स हम लोगों ने देखा भाई इतनी बॉटल्स हैं थ्री लाख बॉटल्स सेवन लाख फिफ्टी और ट्वेंटी लाख बॉटल्स उसके हिसाब से हम लोगों ने अगर डिमांड देखी हो तो डिमांड हम लोग जो है वी कैन सी हाउ मच डिमांड इज देयर वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर वन इज दिस मल्टीप्लाइड बाय थ्री दिस मल्टीप्लाइड बाय कितना पॉइंट फाइव दिस मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट सिक्स तो ये हमारे गाइस टोटल लीटर्स आ जाते हैं एज द केस में भी ए अगर आपने निकालना है तो ठीक है जी दिस इज ए दिस इज ए दिस इज ए दूसरा नंबर गाइस सेटअप कॉस्ट में हमारी पार कॉस्ट आ जाएगी पार कॉस्ट कितनी है ये हम लोग निकाल सकते हैं वर्किंग नोट हम लोगों ने ऊपर पार कॉस्ट कैलकुलेशन किया था कि भाई आ, कितना हमारा पर बैच आने वाला है पार का सेटअप के लिए ये रहा 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 फाइव मल्टीप्लाइड बाय सेवन रुपीज अगर आप कर लेंगे 4.5 मल्टीप्लाइड सेवन फोर मल्टीप्लाइड सेवन

या डी डिमांड निकालते हो भी और होल्डिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट उसने हमें 1 रुपी दी हुई है तो आपको अगर कैलकुलेट करके दिखाना है तो गाय इस तरीके से आप निकाल के दिखा सकते हैं अगर आपने बॉटल्स में निकालना है बॉटल्स में में निकालो अगर आपने निकालना है तो लीटर्स में निकाल सकते हो इट्स योर कॉल अगर आपको बॉटल्स में निकालना है तो, तो निकाल बॉटल्स में, तो में कर सकते हो वैसे हमारा आउटपुट जो है बॉटल्स में ही है तो इट इज बेटर कि आप बॉटल्स में दिखाओ तो उस हिसाब से आपने क्या करना है टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री लैक बॉटल्स मल्टीप्लाइड बाई 31031.5 और डिवाइड बाय वन करोगे तो सेम ही आएगा और फिर उसको रूट कर दोगे तो गाइज दिस इज कमिंग आउट टू बी समथिंग एल्स मैं एक और बार देख लू थ्री लैख मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री जीरो जीरो थ्री वन पॉइंट फाइव ओके और फिर रूट थ्री फोर टू थ्री फोर नाउ दिस इज करेक्ट मैंने पहले गलती से मुझे लग ही रहा था कि मैंने गलत टाइप किया है. तो दिस इज ई क्यू करेक्ट सेवन लैकटीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड ये आ गया डिवाइड बाय वन करने की जरूरत नहीं है सीधा रूट करते हैं तो टू वन टू टू फोर थ्री ये भी सही दिया हुआ है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टू इंटू ट्वेंटी लैक मल्टीप्लाइड बाई थ्री जीरो जीरो थ्री वन पॉइंट फाइव

ओके गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग का वो कह रहा है द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर प्रोसेस वन तो पहले प्रोसेस का जनवरी 2024 का हमें डेटा दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का है 600 यूनिट्स टोटल कॉस्ट उसकी 4200 है ओके उसका कॉस्ट ब्रेकअप नहीं दिया इसका मतलब क्लियर है लगेगा तो फीफो मेथड लगेगा वेटेड एवरेज के लिए हमें कॉस्ट ब्रेकअप चाहिए होता है डिग्री ऑफ कम्प्लीशन हमें ओपनिंग डब्ल्यू की दी हुई है हंड्रेड परसेंट मटीरियल सिक्सटी लेबर एंड ओवरेज तो यही की कॉलम भी बना सकते हो अलग अलग बनाना है वो आपकी मर्जी है इनपुट ऑफ मटेरियल इन्होंने 9200 यूनिट्स डाला है फिफ्टी फाइव का तो ये मटेरियल डाला है इतना इतना पुट है और इतना ओपनिंग डब्ल्यू है और डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड इतनी है ठीक है ओवरेज इन जो है इनकर्ड इतनेपू हंड्रेड यूनिट्स है जिसका किस स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपको दिया हुआ हंड्रेड परसेंट और एट्टी परसेंट जो है मटेरियल हंड्रेड परसेंट लेबर एंड ओवरेज एट्टी परसेंट फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के आपको सेवन हंड्रेड यूनिट्स दी हुई है

थाउजेंट थ्री हंड्रेड यूनिट इस बार का ताजा वाला ओके okay, आगे बताएं नॉर्मल लॉस इज फोर इनपुट दैट इज ओपनिंग डब्ल्यू आईपी प्लस करंट इनपुट देखो ओपनिंग WIP आईपी कितना है सिक्स हंड्रेड करंट इनपुट कितना है नाइन्टी टू हंड्रेड तो टोटल मिला के कितना हो गया नाइन्टी एट हंड्रेड नाइनटी एट हंड्रेड का फोर परसेंट खराब होना चाहिए ये हमारा नॉर्मल लॉस होना चाहिए नाइनटी एट हंड्रेड इंटू नाइंटी एट हंड्रेड इंटू पॉइंट जीरो फोर 392 खराब होना चाहिए 392 खराब होना चाहिए लेकिन ओपनिंग डब्ल्यू आईपी सिक्स हंड्रेड यूनिट है इसमें ओपनिंग डब्ल्यू आईपी पे अगर हंड्रेड परसेंट मटीरियल लग चुका था तो इस बार जीरो परसेंट लगेगा लेबर इनव अगर सिक्सटी परसेंट लगे थे तो इस बार फोर्टी परसेंट लगेंगे जो कि आप यहाँ देख सकते हैं यही चीज हमने 600, इसमें हंड्रेड परसेंट और ये 40 दिखा दिया आगे फिर फिर इसके बाद देखो पर्सनली तो तो मैं एक ही कॉलम बनाऊंगा लेबर एंड का बाकी आपने ऐसे करना है अलग-अलग बनाना योर कॉल अच्छा फिर पुट कितना किया इनपुट तो में आप देख सकते हैं ये 9, जो है, मैं फ्रेश, यहां पर, यहां पर कि आउटपुट जो है ताजा वाला निकला था ये हमने देख लिया जो कि हंड्रेड परसेंट कम्पलीट इन फिर इसके बाद 70 लगे है तो ये आपने देखाटी और ये, 70 ये लेने के बाद नॉर्मल लॉस हमने लिखा ये तो इक्वल में दिखाते नहीं है और इसको जो है हम लोग एबनॉर्मल गेन को आप माइनस करके दिखाएंगे रिड्यूस होगा दैट इज से आपका हंड्रेड परसेंट डिग्री ऑफ कंप्लीशन होता है एक बार इन्हीं सारी चीजों को क्विकली रिकेप लेते हैं थ्रू पॉकेट बुक सो ये देख सकते हैं आप फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्शन इनपुट पर्टिकुलर्स आउटपुट यहां पर हम लोगों ने देख लिया है और इसमें मटेरियल डिग्री ऑफ कंप्लीशन कन्वर्जन कॉस्ट एज द केस में लेबर एंड हम लोगों ने दिखाया ओपनिंग डब्ल्यू आई पी का जितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन रिमेनिंग होगा वो दिखाएंगे पुट इन प्रोसेस हंड्रेड परसेंट होता है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की जो डीओसी डिग्री ऑफ कंप्लीशन दी होगी Loss, हम लोग जो है आउटपुट कॉलम में नहीं दिखाते हैं abnormal loss है तो तो उसको करते करते हैं, हैं। उसका DOC के हिसाब से होता है, तो वो minus करते है. यही वाली चीज़ अभी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है और याद रखने वाली बात क्या है कि हमारी एबनॉर्मल गेन की जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन होती है वो हमेशा 100% परसेंट होती है कॉन्सेप्ट क्या है एबनॉमल गेन का मतलब यही होता है एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल आउटपुट आपका एक्स्ट्रा बना है हंड्रेड परसेंट कंप्लीट बना है ये चीज आप लोगों को देख के चलनी अब बढ़ते हैं फिर बारी आती है गाइज स्क्रैप वैल्यू रुपीज सिक्स पर यूनिट हमें दी हुई है तो ये आपकी नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू आप मटीरियल कॉस्ट में से माइनस करोगे मटीरियल कॉस्ट हमारी कौन सी है ये वाली है फिफ्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड तो हम लोगों ने क्या करना है अब अगर कॉस्ट पर यूनिट अगर निकालनी है तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे ये रही मेरी कॉस्ट और ये रही मेरी इसकी स्क्रैप वैल्यू ये माइनस किया मैंने ये माइनस करके जो मेरी नेट कॉस्ट आई इसको मैंने से करना है। मेरी जो है, वो किस की कितनी है, 8808 है। तो इससे मैंने ये किया, और फिर इनका तो लेबर इन ओवर एट है आप इनको कंबाइन करके भी देख सकते हो अलग अलग करना है आपकी मर्जी भी ये हम लोगों ने दिखाया कॉस्ट पे यूनिट निकाल के दिखाया फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है फिर उसके बाद जो आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकाल के दिखानी है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अब हम लोगों को अपोशनमेंट ऑफ कॉस्ट करके दिखानी पड़ेगी अपोशनमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या करेंगे सबसे पहले तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को कंप्लीट करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमारा कितना था गाइज ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की हमारी फोर्टी टू हंड्रेड रुपीज की कॉस्ट है ये यहां से शुरू करेंगे कि भाई मेरा ऑलरेडी फोर्टी टू हंड्रेड रुपीज जो है ये ऑलरेडी खर्च हो चुका था अब लेबर इन ओवरेज इस बार का कितना लगेगा गाइस अगर आप यहां देखेंगे ओपनिंग डब्ल्यू को कंप्लीट करने की इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी है 240 240 यूनिट्स है मल्टीप्लाइड में हमारी कॉस्ट पर यूनिट इनकी कितनी है 2.1 एंड 0.98 इनसे आपने इनको मल्टीप्लाई करना है जो कि आप यहां देख सकते हैं 2.1 और ये 0.98 नाइन एट एज द केस पे भी तो आपने क्या किया सबसे पहली चीज टू ये जो है ये आपने यहां पर लेके चलना है नहीं ये हंड्रेड ये वाला नहीं है 8900 का ये कंप्लीट ये ये करने का टू पॉइंट वन ये हम लोगों ने ले लिया ये हमारी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग सिक्स हंड्रेड यूनिट छे सौ यूनिट जो ओपनिंग डब्ल्यू आईपी है उसको कंप्लीट करने की कॉस्ट ये आ गई और हमारी करंट में जो है एटी थ्री हंड्रेड यूनिट है तो आपका आप आने के बाद इसको टोटल कॉस्ट जो हमारा माल बन के तैयार हो गया एटी नाइन हंड्रेड यूनिट्स एटी नाइन हंड्रेड यूनिट्स की कॉस्ट ये हमारी आ गई अच्छा इसके बाद और क्या मांग रहा है तो so गाइज एक तो हम लोगों को अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट में ये बताना दूसरा एबनॉर्मल गेन की हमारी कितनी यूनिट्स थी दोस्तों हमारी एबनॉमल गेन की यूनिट्स हमने देखी थी दे वर समथिंग लाइक वन नाइनटी टू यूनिट्स थी आई गेस वन हंड्रेड एंड नाइनटी टू यूनिट्स वन नाइनटी टू यूनिट जो है मल्टीप्लाइड बाई नाइन पॉइंट जीरो नॉर्मल गेन की वैल्यू हो जाएगी ऐसे अलग अलग करके दिखाने की जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की जरूरत हैग्जाम में फालतू टाइम नहीं होता तो ये वाली चीज ऐसे करके दिखाने की जरूरत नहीं है सीधा यह ऐसे करके अब नॉर्मल गेन दिखा दिया और क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस की अगर वैल्यूएशन करनी है ये सात सौ यूनिट्स की अगर क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस की वैल्युएशन करनी है तो सेवन यूनिट्स मटीरियल फोर लेबर एंड एंड तो तो आपने क्या करना है 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 गाइस ये 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 700 by, 700 700 मल्टीप्लाइड 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 बाय 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 लेना और 490 490 490 दिस दिस टाइम बचाने के लिए 490 इनका सम जो है वो आप आप कर लेंगे द केस में देख सकते हैं ये हमने आगे ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन सर्विस कॉस्टिंग का देखिए वो क्या कह रहा है ए एल एम वी प्राइवेट लिमिटेड ओके ए एल एम वी कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो कहते हैं कैब ऑपरेट करते हैं कार रेंटल सर्विसेज देते हैं भाई कार आपको किराए पे लेनी है या कैब लेनी है दिल्ली एनसीआर में ये ऑपरेट करते हैं प्रोवाइड सर्विसेज नोएडा में भी करते हैं अच्छा इनकी सर्विस टू इन ऑफ नोएडा नोएडा में

इसकी रेजिडल वैल्यू कैसे करेंगे आप इस तरीके से डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं अगर आपने एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट यू कैन डू आपने डिवाइड कर देना है टेन ईयर से तो एनुअल डेप्रिसिएशन एज द केस में भी आपका आ जाएगा तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने इसी तरीके से किया हमने क्या किया इसमें से ये माइनस किया इसमें से हम लोगों को और क्या कह रहा है भाई आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर पढ़ी हो यू है मैनेजमेंट ऑफ ए एल एम वी प्राइवेट लिमिटेड फॉर कंसल्टेशन टू ऑप्शन ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ व्हीकल पर मंथ पर कार निकाल के बताओ पर मंथ पर कार तो पर मंथ अगर आपने पर एनम निकाल रखा है इसको डिवाइड बाय ट्वेल्व कर दोगे इसको डिवाइड बाय ट्वेल्व कर दोगे तो ये पर मंथ आ गया पर कार एज द केस में भी डेप्रिसिएशन अच्छा बाकी खर्चे और देखें ये तो अभी एक चीज हुई है दूसरी चीज और देखते हैं इसके बाद उसने हमें माइलेज बता रखी है यहाँ 20 किलोमीटर पर केजी सीएनजी किलो के हिसाब से आ रही है और यहाँ 240 किलोमीटर पर चार्ज यहां चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक व्हीकल का एज द केस में भी और यहां पर जो है उसने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन फुल चार्ज पे बोला हुआ है है भाई आवर्स आवर्स उसने 30 पे फुल चार्ज हो जाती है जिसपे की इनका टू फोर्टी किलोमीटर जो है चल पाती है गाड़ी एज द केस में भी अच्छा पार पर किलो आवर आपको दी हुई है एज द केस में भी ओके okay. यहाँ पर सी एन जी भी पर के जी दी हुई है आपको सिक्सटी रुपीज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट एनुअल इंश्योरेंस कॉस्ट टायर रिप्लेसमेंट कॉस्ट एवरी फाइव ईयर में इतना फिर बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट एवरी एट देखिए अगर आप देखेंगे साल साल है ये 15 साल है ये इसका मतलब क्या हुआ एवरी अगर रिप्लेसमेंट करनी है तो गाइज इसका मतलब क्या हो गया अगर हर पांच साल में आपको रो बैटरी रिप्लेसमेंट करनी है तो पंद्रह साल का फंडामेंटल क्या हुआ पंद्रह साल का फंडामेंटल ये हुआ कि आपको दो बार टू टाइम्स रिप्लेस करनी पड़ेगी ये ये ट्वाइस रिप्लेस करनी पड़ेगी देखो ना अभी खरीदी पांच साल बाद फिर दस साल बाद बस पंद्रह साल तक चल जाएंगे ठीक है जी और यहां पर क्या है यहाँ टोटल लाइफ ही दस साल है तो पांच साल बाद इसका सिर्फ एक बार लगेगा ये टायर रिप्लेसमेंट यहाँ एक बार होगा यहाँ सिक्सटीन थाउजेंड यहाँ थर्टी टू थाउजेंड थर्टी टू थाउजेंड और सिक्सटीन थाउजेंड ये एनुअल हो गया अगर आप इसको पर मंथ निकालना चाहे तो डिवाइड बाय ट्वेल्व कर देंगे एज द केस में मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको एनुअल दी हुई है उसको आप डिवाइड बाय ट्वेल्व करना चाहे तो पर मंथ निकाल सकते हैं एज द केस में भी अब मेन बात आती है कि आपकी ये जो सी एन जी कॉस्ट और पार की कॉस्ट है वो कैसे निकलेगी तो बैटरी रिप्लेसमेंट अभी देखते हैं पहली चीज आप क्या कर सकते हैं गाइस आप देखो आपकी माइलेज का क्या दिया हुआ है उसने उसने कहा हुआ है एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन अ मंथ उसने कहा 1500 किलोमीटर एक महीने में चलनी है गाड़ी ओके 1500 किलोमीटर चलनी है बहुत बढ़िया है तो इस हिसाब से अगर मैं हिसाब लगाऊं गाइस देखो मेरी बात सुनो ट्वेंटी किलोमीटर पर के जी एक किलो साठ रुपए का है एक किलो साठ रुपए का है ठीक है और हमारा एक किलो में ट्वेंटी किलोमीटर चलता है गाड़ी ठीक है इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब साफ है कि साठ रुपए जब बीस किलोमीटर का है, तो एक किलोमीटर का तीन रुपए हो गया एक किलोमीटर का तीन रुपए हो गया तो पंद्रह सौ किलोमीटर का कितना पंद्रह किलोमीटर का इन रुपीज थ्री दैट कम्स टू रुपीज फोर्टी फाइव हंड्रेड हो गया तो so गाइज अगर आपको इसकी फ्यूल कॉस्ट एक महीने की निकालनी है सी की तो ये अब इसके जी की बात सॉरी ईवी की बात करते हैं सेवन है, है, रुपी सिक्सटी पैसे पर किलो वॉट है और इसने बोला है कि भाई टू फोर्टी किलोमीटर चल जाती है थर्टी किलो वॉट फुल चार्ज में तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब साफ है आप ऐसे कह सकते हो भाई तीस आवर में टू फोर्टी इसका मतलब टू फोर्टी ओके इसका मतलब एक आवर में कितने किलोमीटर चलती है टू फोर्टी डिवाइडेड बाय थर्टी इज इक्वल टू एक आवर में आठ एक आवर में आठ किलोमीटर चलती है इनकी गाड़ी एक किलोवाट आर की चार्जिंग से आठ किलोमीटर चलती है इनकी गाड़ी अब उसने मेरे को क्या बोला है गाइस उसने मेरे को बोला है पार पर किलोवाट आर बहुत बढ़िया है तो सुनो मेरी बात इस हिसाब से मैं कहता हूं आठ किलोमीटर चलती है सात रुपए साठ पैसे में मुझे बताओ पंद्रह सौ किलोमीटर का कितना प्रेजेंटेशन आपकी बहुत हो सकती है कैलकुलेशंस बहुत तरीके हो सकते हैं सेवन Into 1500 divided कैसे दिखाना चाहे वन फोर टू फाइव आप निकाल के दिखा सकते हैं ये रहा 1425. ये कहानी खत्म हो गई अच्छा इसके बाद गाइज फिर बारी आती है ये हमने टायर रिप्लेसमेंट का तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता ही दिया था कि भाई टाइप टायर रिप्लेसमेंट का क्या सिनेरियो टायर रिप्लेसमेंट का हमने देख लिया था यहाँ थर्टी टू थाउजेंड है यहां पर जो है है उसको फिर जो एज द केस में भी अब इसको आपने टेन ईयर में मोटाइज करना है बारह महीने, महीने है तो उस हिसाब से आप अगर टायर का हिसाब किताब लेना चाहे तो वो आप निकाल सकते हैं कैसे सिंपल मैं यहाँ पे सीधा आंसर दिखा देता हूँ नहीं ये कॉस्ट पर मंथ ये निकाल के दिखा देता हूँ गाइज ये देखो आपका थर्टी टू थाउजेंड इज फॉर फिफ्टीन ईयर्स एक साल का आ गया डिवाइड बाई ये वन सेवन सेवन पॉइंट सेवन एट कह सकते हो आप एज द केस में भी दूसरा नंबर ऑन द अदर हैंड सिक्सटीन थाउजेंडीन थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन ट्वेंटी मंथस ले सकते हो तो एक महीने का वन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री ये हमारा हो गया एंड दैट फिनिशेज ऑफ दिस पार्ट ऑफ इट अब बढ़ते हैं आगे इसके बाद गाइज ये कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट अगर आपने ये भी लेनी हो तो ये कॉस्ट कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी आप पर मंथ कर सकते हो ये इंश्योरेंस जो भी, है, 12, जी, भी 12, आप देख सकते हो अगर आपने इसको 12 करना, इसको 12 करना है, तो ये एट थाउजेंडिड बाई टू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन ये रहा दूसरा नंबर

अच्छा अब बारी आती है गाइज नेक्स्ट फंडामेंटल की दैट इज टू से बैटरी रिप्लेसमेंट गाइज बैटरी रिप्लेसमेंट एवरी एट ईयर में हो रही है अगर लाइफ इनकी कार की पंद्रह साल है तो यहां एक ही बार रिप्लेसमेंट होगी यहां पर भी एक ही बार रिप्लेसमेंट होगी यहां पर भी एक ही बार रिप्लेसमेंट होगी यहां पर भी एक ही बार रिप्लेसमेंट होगी दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम लेकिन यहां जो है इसको आप कह सकते हो पंद्रह साल में अमोटाइज करो और एक साल में बारह महीने पंद्रह इंटू बारह और यहां पर जो है इसको दस साल में अमोटाइज करो और एक साल में बारह महीने में तो उस हिसाब से हमने क्या करना है 180 कर सकते आप ये आपका आ जाएगा सिक्स पॉइंट जो भी है whatever, 6, 7, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू फोर्टी फाइव हंड्रेड आ जाएगा एज द केस में भी ये आ गया ये तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं तो आप अगर देखेंगे तो फ्यूल कॉस्ट हम लोगों ने फोर्टी फाइव हंड्रेड और वन फोर्टी फाइव निकाला था फिर ये टायर रिप्लेसमेंट भी हम लोग ऑलरेडी निकाले चुके हैं ये सारी कॉस्ट आ गई फिक्स कॉस्ट भी आपने देखा डिप्रिसिएशन हम लोगों को अभी निकालना है डिप्रिसन हमने निकाल दिया था निकाल दिया था भाई डिप्रिसिएशन भी हमारा हो चुका था ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया था ये हो गया था अच्छा अब ड्राइवर सैलरी यस लेट्स टॉक अबाउट दी नेक्स्ट खर्चा ड्राइवर की सैलरी ये पर मंथ ही है नो प्रॉब्लम दोनों में पर मंथ बीस हजार बीस हजार एज इट इज ले लो सिमिलरली गैरेज रेंट भी पर कार चाहे जो मर्जी कार हो भाई ड्राइवर एक ही चलाएगा तनखा उसकी यही है कैरेज रेंट भी सेम है शेयर ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ये भी पंद्रह सौ सेम है ये दोनों में सेम ले लिया ये आपकी टोटल कॉस्ट पर मंथ ये टोटल कॉस्ट पर मंथ और उस हिसाब से फिक्स कॉस्ट ऑब्वियसली, तो फिक्स कॉस्ट प्लस जो है मेंटेनेंस कॉस्ट रनिंग कॉस्ट सब सम कॉस्ट पर मंथ यहाँ पर सी में इतनी आ रही है बैटरी में इतनी आ रही है तो आपकी एडवाइस क्या जा रही है भाई हेलो टैक्सी चलानी है सस्ता करो करो खर्चे कम करो, CNG लगाओ अभी बैटरी ऑपरेटेड मत लो and that finishes this question, अब बढ़ते हैं आगे तो ये लोग ओपन कास्ट माइनिंग कर रहे हैं जिसमें कि दैट इज ये ई यूज कर रहे हैं और डेटोनेटर्स ये दो तरह के मटीरियल यूज कर रहे हैं एक एस एम एक्सप्लोजिव दूसरा डिटोनेटर्स किस चीज के लिए फॉर एक्सकेवेशन ऑफ कोल फ्रॉम माइन्स माइन्स से कोल निकालने के लिए तो गाइज हम लोगों को सबसे पहली चीज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिवस ऑफ मटेरियल माइनिंग के लिए दिया हुआ है तो मतलब अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें उसने मटेरियल का प्राइस वेरिएंस मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस और मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस मांगा हुआ है तो एक बार क्विकली रिकैप करते हैं हम लोगों ने कंपेयर करते हैं और उसके वेरियंट का सबसे पहले टॉक अबाउट मटेरियल वेरियंस मटेरियल वेरियंस जो है सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरियंस को कह सकते हैं इज द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरियंट्स एंड डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी वेरियंट और फिर क्वांटिटी को मिक्स और यील्ड का सम कहते हैं वैसे यहां पर आपको इधर इस सवाल में मिक्स और ईल्ड नहीं निकालना है सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ये तीन वेरियांस निकालने कॉस्ट प्राइस और क्वांटिटी या यूजेज वेरियांसा सबसे पहली चीज मेरी एडवाइस हम लोग मैंने आप लोगों को हमेशा यही वाली चीज मैं बोलूंगा आप लोग आ, जिन लोगों के भी पास ये वाली पॉकेट बुक है गुड फॉर यू मैंने बिल्कुल कंसेप्चुअली आप लोगों को ये वाली चीज बना के दी हुई है रिविजन के लिए कि सबसे पहले अगर एक से ज्यादा तरह के मटीरियल है उसका एक कॉलम बनाए फिर स्टैंड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट स्टैंड प्राइस स्टैंड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल एक्चुअल प्राइस एक्चुअल कॉस्ट और अगर इस सवाल में अगर इस सवाल में मिक्स और ईल्ड भी होता तो रिवाइज स्टैंड क्वान्टिटी भी निकालते लेकिन इस सवाल में नहीं है तो ये नहीं निकालेंगे इस केस में अगर अब मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो गाइज हमारे पास दो तरह के मटीरियल है लेट्स टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ मटीरियल

अच्छा और आगे पढ़ें और आगे पढ़ें तो और आगे में क्या कह रहा है भाई 2.4 जी पर टन ऑफ कोल एक्सट्रैक्टेड हमें लगेगा ठीक है जी और साथ में जो है एसएमई लगेगा कोल एक्सट्रैक्टेड में इतना लगेगा और ओवर बर्डन के लिए ऊपर का जो बर्डन ऊपर जो सॉइल वगैरह हटाने के लिए वन पॉइंट नाइन के जी पर क्यूबिक मीटर ये हमें लगेगा तो मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर जैसे मर्जी कह दो स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिंग रेशियो थ्री टू वन क्यूबिक मीटर ऑफ ओवरबर्डन हटाते हैं तो फिर हमारा एक टन ऑफ कोल निकलता है तो गाइज इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज अगर मैं यहां देखू बीस हजार टन जो है कोल इन्होंने निकाला है तो बीस हजार टन मल्टीप्लाइड बाई टू ये मेरा जो है एसक्यू फॉर यू में आएगा स्टैंड क्वान्टिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट में तो टू पॉइंट फोर मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी प्लस इसमें एड कर देंगे साथ में Uh, जो है 58,000 क्यूबिक मीटर ऑफ ओवरबर्डन हटा है मल्टीप्लाइड 1.9 केजी इस तरीके से आप निकाल लेंगे जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने क्या किया 20,000 टन्स टन मल्टीप्लाइड बाय 2.4 तो ये 48,000 केजी फिर इसी तरीके से जो है 58,000 क्यूबिक मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1.9 केजी पर क्यूबिक मीटर तो ये हमारा वन लाख टेन थाउजेंड 200 200 200 और ये ये 158 158 जो है गाइस गाइस दिस माय स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट किलो हो गया नंबर एक SME. फिर की अगर बात करें तो डेटोनेटर में उसने मेरे को क्या बोला हुआ है ये 20 है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है फिर आपने क्या करना है तो उस हिसाब से आपका क्या हुआ ये फोर्टी थाउजेंड और ये 1, 60,

वंस यू हैव डन दिस अब इसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो गाइज एक्चुअल क्वांटिटी मेरे को ये दी हुई है 167, 200 और 118, 400. तो इनको अगर आप लोगों ने यहां पर लेना है तो दिस इज समथिंग लाइक टू हंड्रेड और ये हो गया वन वन अच्छा फिर इसके बाद जो है अगर आगे देखें तो नेक्स्ट उसने हमें क्या दिया हुआ है ये कॉस्ट दी हुई है सिक्सटी थ्री तो ये आप ऐसे कर सकते हो सिक्सटी यहां पर लिख देता हूं सिक्सटी 53,600. नंबर एक ये हो गया नंबर दो ये है हमारा 24, 27,200. तो so ये आपने लेना है 24, 27,200. इन दोनों को जब आप सम करेंगे तो गाइज ये आपका क्या आ रहा है 63, 53,600 प्लस 24, 27,200. Is equal to something like eighty-seven, like eighty thousand eight hundred, eighty-seven, तो so ये अगर मैं इस से माइनस कर दू तो मेरा रिकॉल तो ये मेरा फेवरेबल आ रहा है इसमें से ये माइनस करते हो तो सिक्स सिक्सटी सेवन टू हंड्रेड जो है ये आपका आ जाना चाहिए कॉस्ट वेरियंस सिक्सटी सेवन टू हंड्रेड अगर कॉस्ट वेरियंस देखेंगे इज समथिंग लाइक सिक्सटी सेवन टू हंड्रेड ये हो गया खत्म अच्छा फिर इसी तरीके से अगर आपको प्राइस ये जैसे आप देख सकते हो स्टैंड निकालना गाल गाल तो स्टैंड क्वांटिटी तो गाइज स्टैंड प्राइस हमारा कितना ये रहा हमारा फोर्टी रुपीज और एक्चुअल प्राइस अभी निकालना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पर अगर आप एक्चुअल प्राइस देखेंगे तो गाइज दिस डिवाइड बाय दिस इज हाउ मच सिक्सटी थ्री फिफ्टी थ्री सिक्स हंड्रेड Divided by 167200 is equal to 38 रुपीस का इसका प्राइस हो गया और दूसरा नंबर 2427200 divided by 118400 is equal to 20.5 ये हो गया बढ़िया है तो प्राइस वेरिएंस इस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी तो 40 माइनस 38 डेट इस 2 रुपीस इनटू दिस 167200 और सिमिलरली 20 माइनस 20.5

या आप अपनी तरफ से अज्यूम करें कि नहीं भाई रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है इट्स योर कॉल क्योंकि कोई क्लैरिटी इस इस सवाल में नहीं है देखिए मैं एक्चुअली ये कह रहा हूँ ये सारे के सारे मटेरियल भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से रिलेटेड है ये भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से रिलेटेड है ये भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से रिलेटेड है, है तो ये सारे के सारे ना सीओजी से लिंक हो रहे हैं इसका मतलब प्रोडक्शन से लिंक हो रहे हैं इसका गुड मतलब सोल्ड से लिंक हो रहे हैं प्रोडक्शन से लिंक हो रहे हैं ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के रिलेशन में है जो जो है जो जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो फोरसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो हम लोग क्या कहते हैं इस हिसाब से भाई इफ आई से व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ सोल्ड हाउ मच इज माय कॉस्ट ऑफ सोल्ड तो आई कैन डू मैथमेटिक्स लाइक दिस कि विल बी इक्वल टू व्हाट नंबर एक मेरा डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरेज वेरिएबल फैक्ट्री ओवर प्लस फिक्स फैक्ट्री वरिज प्लस अब ये अगर वेरिएबल दिया हुआ है तो यार रिलेटेड टू प्रोडक्शन ही होना चाहिए वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवर प्लस फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवर और नीचे आप नोट दे सकते हैं कि भैया हमने जो है एडमिनिस्ट्रेशन ओवर को रिलेटेड टू प्रोडक्शन माना है सिंपल ऐसा नोट देख के फिर आप इसको गेम खेल सकते हैं अब इन दिस केस गाइज वॉट वी आर गोइंग टू डू इज ये हमारी सीओजीएस है सीओजीएस इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल कितना हो गया थर्टी परसेंट ऑफ सीओजीएस सीओजीएस इज इक्वल टू थर्टी परसेंट ऑफ सीओजीएस प्लस फिफ्टीन परसेंट ऑफ सीओजीएस प्लस वेरिएबल फैक्ट्री ओवरेज टेन परसेंट ऑफ सीओजीएस प्लस ये फिक्स वाले टू लाख थर्टी थाउजेंड प्लस ये वेरिएबल वाले जीरो पॉइंट जीरो टू सीओजीएस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्लस सेवेंटी वन थाउजेंड है इनको फिर आप जब उस तरफ ले जाओगे तो यह पॉइंट थ्री प्लस सेवन हो, हो गया तो ये उस तरफ चला जाएगा तो हमारी क्या हालत हो जाएगी क्या बच जाएगा COGS जी एस माइनस पॉइंट फाइव थ्री जी एस एक बार फिर देख लो फाइव थ्री है फाइव सेवन है थर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी फाइव फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन है जी 57 परसेंट ऑफ सीओजीएस इज इक्वल टू टू लैख 71,000 थाउजेंड प्लसेंड विच कम्स टू इन दोनों को सम करोगे तो थ्री लैख वन आ जाएगा Finally, आप क्या कर सकते हो सीओजीएस इज इक्वल टू तीन लाख एक डिवाइडेड बाय 0.43 बच रहा है तो ये जब आपने करना है बाय 0.43 इज इक्वल टू सात लाख रुपए आपका आ जाएगा सीओजीएस एंड दैट इज सबसे पहली वर्किंग तो आपने सीओजीएस की कैलकुलेशन करके दिखानी है कि भाई सीओजीएस हमारा कितना है तो ये आप देख सकते हैं हमारा कॉस्ट ऑफ सोल्ड लाख आ गया नंबर वन नंबर टू गई फिर आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरेज उसने बोला हुआ फोर परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स तो देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलता है कॉस्ट ऑफ सोल्ड प्लस वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरेज प्लस फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करके आप इसे निकाल सकते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स आप इस तरीके से कह सकते हो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स तो मुझे नहीं पता पर मुझे पता है कॉस्ट ऑफ सात लाख रुपए निकाल दिया था प्लस वेरिएबल सेलिंग जो है फोर परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स है और फिक्स सेलिंग ये हमारे सेवन लाख सिक्स थाउजेंड यही रह गया ये यहां चला गया तो पॉइंट नाइन सिक्स Cost of sales is equal to Finally, divided by करेंगे. Divided by करेंगे. तो तो ये मेरा आ गया है. Cost of sales is equal to 8 ,00 तो सबसे पहली चीज़ आपने वर्किंग जो है ये करके दिखानी है ये हमने ये एट लाख रुपीस दिखा दिया अब आप क्या कर सकते हैं अब आप इस हिसाब से इसका थर्टी परसेंट डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा

और सारी वेरिएबल कॉस्ट इकट्ठे आप कर सकते हो सारी वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली थर्टी परसेंट ऑफ सेवन लाख ऑफ सेवन लाख टेन परसेंट ऑफ सेवन लाख टू परसेंट ऑफ सेवन लाख और फिर फाइनली फोर परसेंट ऑफ एट लाख ये हमारी जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई है अब नीचे क्वेश्चन में उसने मुझे बताया हुआ कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो वन एटी फाइव और सेल्स वैल्यू जो है वो फाइव थाउजेंड यूनिट है तो फाइव थाउजेंड यूनिट मल्टीप्लाइड बाई वन एटी फाइव करोगे तो गाइज दिस इज नाइन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का सेल्स रेवेन्यू अगर हमारा सेल्स रेवेन्यू नाइन लाख

ले लेना डिनोमिनेटर में लेना थाउजेंड डिवाइड बाई मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू सिक्स लाख नाइनटी थाउजेंड नाइन फोर्टी वन अप्रोक्सीमेटली ये आपका जो है ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा ये ये राउंड ऑफ क्या हुआ है दो डिस का करके हमारा ज्यादा एक्यूरेट है ऑब्वियस सी बात है हमारा जो आंसर आया वो थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट है बट सिक्स नाइनटी नाइन फोर्टी वन ना से ही ये दो डेसिमल तक राउंड ऑफ करके एट एटी टू भी कर सकते हो अच्छा वंस दिस इज डन उसके बाद सेकंड पार्ट उसने क्या कहा हुआ है प्रॉफिट जो लास्ट ईयर अर्न किया था सिंपल सी बात है भाई सेल वैल्यू पता है ना हमें कितनी सेल वैल्यू कितनी है नाइन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है वेरिएबल कॉस्ट पता है ना कितनी अभी अभी तो निकाली थी हमने ये तो रही वेरिएबल कॉस्ट फोर लैख थर्टी वन थाउजेंड और फिर फिक्स कॉस्ट पता है ना कितनी भैया फिक्स भी हम लोगों ने ये निकाल रखी ये ये तो है guys, आ जाएगा, सारा कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया आठ लाख रुपए काट दो वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का प्रॉफिट हो गया तो वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का प्रॉफिट जो है ये आपका आप निकाल के दिखा सकते हो ये रहा वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का आप सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट या

और डिवाइड बाय नाइन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अगेन कर दोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स इन टू हंड्रेड तो इस हिसाब आप से आपने क्या किया गाइस दिस इज मेमोरी में डाल देता हूँ इसको और फिर नाइन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मेमोरी में से इसमें से मेमोरी रिकॉल करके माइनस किया डिवाइड बाई नाइन

कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगा तो 90% ऑफ़ इसमें से फिक्स माइनस कर दो जो कि मेरी है है ये आपने जब करना है, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा इस दोन था ऑफ दिस क्वेश्चन अब बढ़ते हैं आगे ओके गाइस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल ओके गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन एम लिमिटेड इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू है जी ये प्रोवाइड कर रहे प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट प्रोडक्टिव बना रहे हैं और जो है पीएसयू है ये और वो कह रहे हैं कमनी इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग रेवेन्यू बजट तो ये रेवेन्यू बजट 2024 के लिए निकाल रहे हैं बना रहे हैं द कंपनी एज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो कि यूजफुल हो सकती है बजट बनाने के लिए इट इज एंटिसिपेटेड कि 10 परसेंट ग्रोथ इन सेल्स वॉल्यूम एंटिसिपेट कर रहे हैं फोर लाख ट्वेंटी टन से तो देखो गाइज अभी फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड था अब इसका हो 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 जाएगा 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 अगले साल में 2024 में 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 इतना था ज्यादा सेल उजेंड रुपीज पर टन है वो टेन परसेंट इंक्रीज तब होगा जब होलसेल प्राइस इंडेक्स पी आई जो है वो इंक्रीजेस बाय फाइव परसेंट लेकिन उसने होलसेल प्राइस इंडेक्स उसने कहा चार परसेंट होगा तो दोनों केस में आपका सेलिंग प्राइस जो है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड रुपीज रहेगा चाहे पुराना साल था चाहे अगला आने वाला साल है क्योंकि आपका डब्बूपी आई होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो पांच परसेंट से ज्यादा नहीं बढ़ा तो उस हिसाब से आपका सेलिंग प्राइस दस परसेंट नहीं बढ़ेगा तो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिसक्स में करोगे तो इतना आ जाएगा दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस रुपीज इन लैक्स में करोगे तो इतना आ जाएगा ये हम लोगों ने सेल्स रेवेन्यू निकाल दिया है फिर कह रहे टू प्रोड्यूस वन टन एक टन प्रोड्यूस करने के लिए टू पॉइंट थ्री टन ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है ठीक है जी तो जैसे आप बोलो तो ये आप देख सकते हो दिस मल्टीप्लाइड बाय 2.3 ये आपका आ जाएगा अगेन दिस मल्टीप्लाइड बाय 2.3 तो ये आपका जो है इतना रॉ मटेरियल कंजम्पशन इन टर्स आ जाएगा इसके बाद वो कहता है रॉ मटेरियल लास्ट ईयर 4500 पर टन का था लेकिन कहता है प्राइस अगर हमारा रॉ मटेरियल भी महंगा हो जाएगा 10 परसेंट अगर डब्लू पी आई फाइव परसेंट अब जाता है लेकिन 5 परसेंट तो अब गया नहीं है

जो है 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 वो थ्री रुपीज पर डे ऑफ तो थ्री रुपीज है और इनके पास बंदे इतने हैं अच्छा ये थ्री थाउजेंड तो पर डे है एक दिन का इतना है तो ट्वेंटी सिक्स डेज एक महीने का इतना हुआ साल में बारह महीने है तो उस हिसाब से पूरे साल का कितना हुआ अब वो कहता है न्यू एज अग्रीमेंट ये तो लास्ट ईयर का हो गया लास्ट ईयर का देखें तो लास्ट ईयर का क्या है आप ऐसे कह सकते हो 85 परसेंट ऑफ सिक्स जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी है ये पंद्रह परसेंट बढ़ जाएगी इसका मतलब इस साल में जो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर है उसमें फिफ्टी वन हंड्रेड एम्प्लॉज को थ्री थाउजेंड जाएगा ट्वेंटी सिक्स डेज का सिक्स मंथ्स फर्स्ट से लेकर जून एंड तक जुलाई फर्स्ट से इनके फिफ्टी वन हंड्रेड एम्प्लॉइज का थ्री थाउजेंड का कितना पंद्रह परसेंट बढ़ जाएगा तो थ्री थाउजेंड का एक सौ पंद्रह परसेंट या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो थ्री फोर फाइव इन टू ट्वेंटी सिक्स डेज मल्टीप्लाइड बाय सिक्स मंथ्स ऐसे करके जो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो तो गाइज दिस इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज वॉट इज हेयर So, आपने देखना ये आपकी टोटल इंटू इन इंटू की परमानेंट फोर की रूपी आ गई है अब जो कैजुअल एम्प्लॉइज है वो कितने हैं भाई परसेंट हो गए मीनस नौ सौ हो गए 900 हो गए और इनको लास्ट ईयर कितना पे किया की तो दिस मल्टीप्लाइड बाय बाय 850 मल्टीप्लाइड बाय

इंटू ट्वेल्व इंटू अब एट फिफ्टी मल्टीप्लाइड आप देखोगे ना तो गाइज एट फिफ्टी मल्टीप्लाइडेड बाई वन सिक्स दिस इज कमिंग टू एट नाइन थ्री पॉइंट थ्री थ्री जैसा मर्जी कह दो

पर किलोवाट आर ये इनकी कॉस्ट है अब वो कह रहे हैं सिक्सटी परसेंट ऑफ द पार इसका साठ परसेंट जो है वो प्रोडक्शन पर्प के लिए मीन चार लाख बीस हजार जो है वो प्रोडक्शन के लिए चार लाख बीस हजार जो है वो प्रोडक्शन के लिए तो दो लाख अस्सी हजार का क्या है वो कहता है रिमेनिंग जो है टू लैख एटी थाउजेंड टू लैख एटी थाउजेंड जो है वो कहता है रिमेनिंग आर फॉर एम्प्लॉज क्वार्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एम्प्लॉय तो के क्वार्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस उसके लिए है दो लाख अस्सी जैसे आप बोलो तो भाई लास्ट ईयर की तो जो हमारी पार कॉस्ट थी लाख थी उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ये हमने लाख लाख सीधा सीधा पर 42 ले लेना है नो no इश्यूज ये फोर्टी टू लैख हो गया अब नेक्स्ट ईयर में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई हमारी अगर प्रोडक्शन पंद्रह बढ़ रही है तो पार कंजन प्रोडक्शन वाली तो एक हो जानी चाहिए दिस मल्टीप्लाइड बाय हमारी छह रुपए पर किलो वॉट प्लस दो लाख अस्सी हजार भाई अब हमारे एम्प्लॉज क्वार्टर थोड़ा बढ़ रहे हैं हमारी एज द केस में भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे थोड़ा बढ़ रहे हैं दिस इंटू सिक्स ही रहेगी तो दिस इंटू सिक्स थाउजेंड का एक सौ पंद्रह इंटू छह रुपए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने इसी तरीके से कैलकुलेशन करके दिखाई एक सौ बारह परसेंट और फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड फोर सेवेंटी फोर हंड्रेड हो गया टू लाख एटी थाउजेंड एज इट इज ये टोटल इन दोनों का सम किया मल्टीप्लाइड में छह रुपए किया तो ये हमारी कॉस्ट आ गई पर कॉस्ट फोर्टी फाइव पॉइंट जीरो टू फोर शिज ऑफ द स्पॉट अब बढ़ते हैं आगे फिर वो कह रहेगा इस ड्यूरिंग द इयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री कंपनी ने सिक्सटी लाख रुपीज सेफ्टी एंड मेंटेनेंस के खर्चे दिए और द अमाउंट विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जैसे आप बोलो तो गाइज कंपनी ने 60 लाख ,00 रुपीज के लिए दिए तो ये साठ लाख रुपए जो है हम लोगों ने एज इट इज यहां पर ये ले लिया 60 लाख नो प्रॉब्लम अब अगले साल में क्या कह रहा है अगले साल में वो कह रहा है दिस अमाउंट विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन तो सिंपल सी बात ना इसका एक कर दो ठीक है जी हमार, हमारा पंद्रह परसेंट प्रोडक्शन बढ़ रही है बारह बढ़ रही है बारह बढ़ रही है भाई वन हंड्रेड एंड

ये रहे हमारे खर्चे अब बढ़ते हैं एक लाख बीस हजार की थी के लिए। तो डीजल जो है, बढ़ रही है अगले साल में तो पहले तो एक लाख बीस हजार रुपए तो ये हमने एज इट इज ले लिया अब ये कॉस्ट जो है पंद्रह परसेंट बढ़ रही है मींस एक सौ पंद्रह परसेंट हो रही है ये एक लाख बीस हजार का लेकिन वो कहता है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में कंपनी ने जो है छह लाख रुपए कार हायर चार्जेस के लिए दिया था एक्सक्लूडिंग फ्यूल कॉस्ट तो छह लाख रुपए हम लोगों ने ये भी ले लिया अब वो कहता है इस साल में नेक्स में नेक्स्ट ईयर अब हम 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 क्या कर 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 रहे 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 हैं 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 डीजल डीजल कॉस्ट खुद नहीं भरवा और उसके हिसाब से रेंटल कंपनी को हम लोगों को पांच परसेंट जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेजम आरसीएम में देना पड़ेगा जिसका की कंपनी को जीएसटी इनपुट रेड नहीं मिलेगा इनपुट रेट नहीं मिलेगा तो इनका नुकसान इनकी कॉस्ट है तो सिक्स लाख रुपीज प्लस आप जो है इसको ऐसे ले सकते हो सिक्स लाख रुपीज प्लस वन पॉइंट टू लाख का एक सौ पंद्रह परसेंट ये जो भी है ये जो आपकी कॉस्ट आई इसमें फिर आपने एक सौ पांच परसेंट कर देना है तो कहने का मतलब क्या हो गया सिक्स को मेमोरी में डाला वन पॉइंट टू इन फाइव इज इक्वल टू इसको भी मेमोरी में डाला मेमरी रिकॉल किया सेवन पॉइंट थ्री एट इंटू वन पॉइंट जीरो ले सकते हो ये लास्ट ईयर सिक्स 6 1.2 एज द केस में भी था ये हाई चार्जेस इन्होंने जैसा भी ये छह दिया हुआ था ठीक है और ये 1.2 इन्होंने यहाँ ले लिया था अलग से यहाँ पर जो 7.749 इतनी कॉस्ट हो गई है लास्ट ईयर का हमारा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स कितना था गाइस 80 40 तो रुपईज इन लैक्स में करोगे तो 80 uh, 8040 ये लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था ये रहा

अच्छा एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा अब यहाँ जो है क्लैरिटी नहीं है इस रिगार्ड में कि ये जो जीएसटी है वो सिर्फ और सिर्फ रिम्बर्समेंट पे लगना है या टोटल पे लगना है तो देखो प्रॉब्ली अगर आपने मेरी बुक मेरे साथ अगर क्वेश्चंस किए हैं तो मैंने आपको इस तरह का सवाल पहले ऑलरेडी कॉस्टशीट में करा रखा है इस तरह का सवाल जिसमें कि हायर चार्जेस और री ऑफ डीजल भी है दोनों पे मिला के जीएसटी लगता है वहाँ पे आपको आई होप यू गाइज आर रिमेम्बरिंग दैट जिन्होंने भी uh, पढ़ा हुआ है मेरे साथ और गाइज uh, uh, हम लोगों ने uh, जो है अदरवाइज आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो uh, आप जो है अपना अजम्पन नोट दे सकते हो एज द केस में भी यहाँ पर वैसे इसमें कोई अजम्पन uh, uh, देने की जरूरत नहीं भी है बट इफ यू आर कंफ्यूज इन दिस रिगार्ड कि भैया ये जीएसटी जो रिवर्स चार्ज पे है ये सिर्फ डीजल की री पे है या टोटल पे है वो आपकी अपनी डिस्क्रेशन है मैं जिस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जिस हिसाब से हम लोग करते हैं तो हम टोटल पे जी का आपको चार्ज देना पड़ेगा जो हायर चार्जेस है प्लस डीजल का रीइंबर्समेंट सब पे मिला के आपको आर से जो है जीएसटी पे करना पड़ेगा और उसका कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा है अब बढ़ते हैं आगे ओके गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो कह रहा है इज रिकंसिलियन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स नेसेसरी इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम गाइस बड़ा सिंपल बेसिक क्वेश्चन है अगर आप इंटीग्रेटेड सिस्टम बना रहे हो इंटीग्रेटेड अकाउंट्स इंटीग्रल अकाउंट्स बना रहे हो तो सिंगल सेट ऑफ बुक्स बना रहे हो तो रिकनसिलियेशन निकलेगा नहीं क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल एक ही प्रॉफिट्स आएंगे सिंस ओनली वन सेट ऑफ बुक्स आर केप फॉर बोथ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग देर इज नो नेसेसिटी क्योंकि प्रॉफिट ही एक निकलना है रिकनसाइल तो तब करें ना जब नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स हो कॉस्ट बुक्स अलग है फाइनेंशियल बुक्स अलग है यहां तो कुछ ऐसा है ही नहीं और उस हिसाब से आप जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप पहले फाइनेंशियल बुक्स को बता दें दें कॉस्ट बुक्स को बता दें, फिर नॉन इंटीग्रेटेड में तो हमें जरूरत पड़ती है इंटीग्रेड में हमें जरूरत नहीं होती क्योंकि एक ही प्रॉफिट प्रॉफिट आता आता है है एक्चुअल एज द केस नेक्स्ट वो कह रहा है डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग गाइज आई ने बहुत चेंज कर दिया है आई ने आज के डेट में ई आ गई है जिसकी वजह से आपके बहुत सारी फंक्शनल एक्टिविटीज भाई एक्टिविटीजेजिंग ऑर्डरिंग स्टोरिंग बहुत सारी एक्टिविटीज जितनी भी है आपकी सो मेनी थिंग्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पैच लॉजिस्टिक्स एन नंबर ऑफ थिंग्स बहुत सारे फंक्शंस एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग सारे फंक्शनल फंक्शंस जो है बहुत सारे फंक्शनल एक्टिविटीज जो है वो दे हैव गॉट इंटीग्रेटेड इनटू सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम और रिपोर्ट जो है बड़ी कस्टम बेस्ड रिपोर्ट और कंप्यूटर्स की हेल्प से और बहुत ही कम लोगों हेल्प से बड़े ही आसानी से जो कि टाइम बचाता है कॉस्ट बचाता है ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पुराने जमाने में फिजिकल रखने पड़ते थे आज की डेट में डिजिटल में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता तो रिकन्सिलेशन प्रोसेस भी बहुत आसान है कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स का क्यों क्योंकि भैया हमारे पास सब कुछ डिजिटल फॉर्म में है और उस हिसाब से हम लोग का पुराने जमाने में बिलो फिजिकल बनता था रिक्विजिशन नोट फिजिकल बनता बनता था बिलो बनता था जब कभी जो है स्पेसिफिकेशन लिस्ट कहते हैं इसको बिलो को कि भाई हमारे पास कोई ऑर्डर आया है कोई चीज आया है, उसमें क्या क्या मटीर लगेगा कितनी कितनी क्वांटिटी लगेगा कौन कौन सी क्वालिटी का मटीरियल कितनी कितनी क्वांटिटी तो बिलो मटियल या मटीरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट बनाते थे वो फिजिकल डॉक्यूमेंट बनता था आज की डेट में ये सारा डिजिटल बन रहा है मटीरियल नोट जब आपको मटेरियल मंगाना पड़ता है स्टोर कीपर से तो फिजिकल कॉपी रखनी पड़ती थी फिजिकल कॉपी एक भेजते थे उस डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट को एक अपने पास सकते थे एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट

के एरिया में भी डिस्कस की हुई है आज केस में भी देन फिर उसके बाद कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर कॉस्ट सेंटर कॉस्ट ऑब्जेक्ट बहुत आसानी से जो है और टाइमली मैनर में एक्यूरेसी के के साथ आज के में बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर हो पा रही है हम लोग जो है कॉस्टिंग बहुत सही कर पा रहे हैं भाई हम हमको खर्चे अपोर्शन करते हैं एलोकेट करने हैं बेसिस बस डिफाइन करके सारी चीजें जो है सो सिंपली सो इजिली जो है आपकी कॉस्ट जो है वो पता चल जाती है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट ऑब्जेक्ट अगर आप कोडिफाई कर दो जैसे अब सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं भाई हम लोग जैसे बुक्स हैं भाई

इट्स सो इजी बिकॉज़ ऑफ हमने भी आज की में ये वाली चीज़, करके भैया उसका प्रिंटिंग का रेट क्या है इतना बाइंडिंग का रेट है सिंपल हमारे को कॉस्ट हमारी हम खुद ही पहले कैलकुलेट करके रख लेते हैं इससे पहले कि हमारे पास बुक्स जो है वो हमें जो प्रिंटर है वो बताए उससे पहले हम लोग खुद कॉस्टिंग कर लेते हैं द प्रोसेस ऑटोमेट्स द कॉट अक्यूमिलेशन एसरटेनमेंट प्रोसेस द कॉस्ट इफॉर्मेशन कैन बी कस्टमाइज एज पर रिक्वायरमेंट बड़ा सिंपल है भाई आप जॉब वाइज जानना चाहो बैच वाइज जानना चाहोस वाइज एंटरवाइज बहुत आसानी से कर सकते हैं टेक्नोलॉजी यूनिफॉर्मिटी इन रिपोर्ट हो पा रही है आज की डेट में बजट्स आसानी से बन पा रहे हैं स्टैंडर्ड हो सकते हैं क्यों क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है बहुत जल्दी बन जाती है वाली चीजें ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है बहुत हेल्प करते हैं इस चीज में और इस्पेक्टिव की लोकेशन क्या है करेंसी क्या है लैंग्वेज क्या रेगुलेशन क्या है बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी आ रही है अलग अलग आज के डेट में मल्टीनेशनल है हर जगह इतना मटेरियल इतना जो भी रेट होगा उसका वो रुपीज का रेट आ जाएगा इस में, इतनी लेबर इतने आर्स लगेंगे so on, वो सारी चीजें जो है बहुत सिस्टमेटिक मैनर में और बहुत आसानी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की से हो पाती है कैलकुल कॉस्ट एंड रेवेन्यू रिपोर्ट्स भी बहुत जल्दी रियल टाइम में हाथों हाथ निकाल सकते हो आप मैनेजमेंट जो उस हिसाब से कंट्रोल मेजर्स इमीडिएटली ले सकते हैं ये नहीं कि बाद में करें साथ के साथ पता चल सकता है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंटिटी जो है वो मॉनिटर कर, कर सकती है हर प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एक्टिविटी को और एलिमिनेट कर सकती है नॉन वैल्यूटिंग एक्टिविटी कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि वैल्यू एड नहीं कर रही है उसको आप एलिमिनेट कर देंगे एज द केस में भी तो ये आपके थे इंफॉर्मेशन uh, टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप क्या कॉस्ट अकाउंटिंग पे इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हम लोगों ने देखा Guys, cost, सी बात है पर्सन जो, जो है वो कंट्रोल कर सकता है कंट्रोलेबल कॉस्ट वो है जिनको इन्फ्लुएंस कर सकता है एक्शन ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का भैया और दूसरा अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है जिसको कि हम लोग नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते वैसे एक बात बोले कोई ना कोई हर कॉस्ट हमारी सुपीरियर से कंट्रोलेबल होगी मेरे से कंट्रोलेबल नहीं होगी मेरी तनख्वाह मेरे से कंट्रोलेबल नहीं है सुपीरियर से कंट्रोलेबल है ठीक है जी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ तो हम लोग बट कंट्रोलेबल हर एक पर्सन या हर एक डिपार्टमेंट हर एक कॉल सेंटर हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के परस्पेक्टिव से आपको बताना पड़ेगा कि भैया तुम्हारे लिए ये चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है और ये चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो कंट्रोलेबल विच यू कैन इन्फ्लुएंस यू कैन अफेक्ट अनकंट्रोलेबल जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कोई एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उधर वर्कर्स की तनख्वाहें रॉ मटेरियल का खर्चा जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ पार है इलेक्ट्रिसिटी एज द केस में भी ये सारा कंट्रोलेबल है लेकिन किराया उस जगह का दे आर दिस इज नॉट कंट्रोल्ड बाई द प्रोडक्शन मैनेजर जो मशीन का डिप्रिशियन इट्स नॉट भाई एस पे निकल रहा है डब्ल्यू पे निकल रहा है इससे कोई उसका कोई लेना देना नहीं है इट इज नॉट कंट्रोलेबल हिम उसकी अपनी तनख्वाह इज नॉट कंट्रोलेबल हिम एंड सो ऑन नाउ द लास्ट पार्ट वो कह रहे पोर्शन कॉस्प टू द्वाइट ऑफ सेपरेशन अमंगस द जॉइंट प्रोडक्ट कैसे करनी है यूजिंग मार्केट वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन तो गाइज मार्केट वैल्यूट पॉइंट ऑफ सेपरेशन या split of point, क्या होती है कि अलग होती स्प्लिट होते ही जॉइंट प्रोडक्ट जो है कितने के बिक सकते हैं कितने की उनकी मार्केट वैल्यू है इफ यू सेल देम वॉट विल बी द वैल्यू दट यू रिसीव मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन या एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट वो आप निकाल सकते हो और उसके बेसिस पे आप ज्वाइंट कॉस्ट बांट सकते हो नंबर वन और ये जो है सबसे फेवरेट बेसिस होता है अगर अलग होते ही हमें मार्केट वैल्यू पता होती है तो दैट इज गुड नहीं पता होता तो नेट रिलाईजेबल वैल्यू मेथड से कर सकते हैं सेल वैल्यू माइनस माइनस फॉर द कॉस्ट कॉस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से करते हैं अब यहां जो आंसर दिया हुआ है मैं उससे वाकिफ नहीं रखता हूँ दोस्तों मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन कुछ और है ये आंसर कुछ और है और आंसर में गलती है मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा देखिए ऐसा है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट

मार्केट वैल्यू एट प्लेट ऑफ पॉइंट इज जो भी उनका आउटपुट है एट प्लेट ऑफ पॉइंट या पॉइंट ऑफ सेपरेशन इनटू मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस कितने बिक सकता अगर अभी अलग होते ही बेचते हो तो उसके हिसाब से बांटो उस आउटपुट की वैल्यू के हिसाब से बांटो इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन इफ इट इज नॉट अवेलेबल वो तो भी बात है भाई बताओ तो सही में डिफिकल्ट की तो बात ही नहीं है ये मैं इससे बिल्कुल वाकिफ नहीं रखता ये क्यों बता रहे हो यार आप ये बताओ मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट होता क्या है भाई ये इनका आउटपुट जितने भी ज्वाइंट प्रोडक्ट्स है उनके आउटपुट की यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन दिस यू टेल ना कि हाँ जी इट इज नॉट अवेलेबल तो बड़ा मुश्किल होगा इट इज यूजफुल मेथड वेयर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आर इनकट डिस्प्रोपोर्शनेटली भैया मैं आपको साफ बात पे बोल रहा हूं आपसे जो आपसे पूछा गया है कि भाई मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड से ज्वाइंट कैसे बांटते हैं तो वो बताओ तो वो बताओ मैं इस आंसर से वाकिफ नहीं रखता मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है क्या क्यों करते हैं अभी इसको क्यों करते हैं बिकॉज हेलो आउटपुट के बेसिस पे नहीं करना चाहिए आउटपुट जो है फिजिकल मेजरमेंट है फिजिकल यूनिट्स है अब भाई कोई किसी प्रोडक्ट की अलग वैल्यू है दूसरे की अलग वैल्यू है यार जितनी इकोनॉमिक वैल्यू है उसके हिसाब से कॉस्ट का बर्डन करो ना जस्टिफिकेशन बताओ होता क्या है वो बताओ रात की नहीं अवेलेबल हो तो मत करो और ऊपर से दूसरा एनआरवी क्या होता है सेल 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 वैल्यू 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 जो भी आपके output, भी आपके ऑफ ऑफ आउटपुट आउटपुट आपकी फिनिश स्टेज पे ये ठीक है लेकिन इसमें से एस्टिमेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं माइनस करते अरे आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ लो आप इंटरनेशनल मटेरियल नेशनल मटेरियल पढ़ लो स्टडी मटेरियल में भी गलती कर रखी है यहां पर भी भाई मैं नहीं खेल रहा इनके साथ

बाकी अगर मैं कुछ गलत मैंने कुछ बताया हो तो प्लीज मुझे आप जो है जरूर एडुकेट करें आई वुड रियली लाइक टू लर्न बट एज फार एज आई हैव सो मेनी सोर्सेज वेयर आई कैन टेल एंड शो बी बी इट इट कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग फाइनेंशियल सेल वैल्यू माइनस फॉर द प्रोसेसिंग कॉस्ट यस माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यस बट नॉट प्रॉफिट मार्जिन एनी हाउ तो ज्वाइंट कॉस्ट जो है अपोर्शन करेंगे एनआरवी की बेसिस पे कर सकते हैं मार्केट वैल्यू दोनों अलग अलग से बताना चाहिए तो मैं इस आंसर के साथ नहीं हूं ये आंसर ठीक नहीं है uh, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस आंसर को ठीक किया जाए और इसी के साथ हमारा आज का डिस्कशन समाप्त होता है नमस्कार आई होप यू गाइस आर फाइंडिंग दिस सब्जेक्ट इजी एंड इंटरेस्टिंग मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आ रहा हो ये बहुत स्कोरिंग है सौ में से सौ लाने वाला है और आप लोग अपना बेस्ट देंगे तो बिल्कुल आपके साथ जो है अच्छा ही होगा हमेशा जो है अपना बेस्ट दीजिए और बेस्ट रिजल्ट्स पाइए मेरी तरफ से टेक केयर है गॉड ब्लेस यू ऑल बाय